नहीं ये नहीं था। अरे उसमें लिखा हुआ था कैंसिल कर, वापस से कर, एड एग्जिस्टिंग माइक। हेलो है ना, क्योंकि तुमने दो माइक ले लिए, एक कम। बच्चों अभी आवाज आ रहा है आप सबको? आप सबको नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रहा है? आया? अभी आवाज आया? यस आ रहा है। हाँ तो मैं बात कर रहा था सबसे पहले बात बुक्स के रिगार्डिंग। वैसे तो मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था, पर आपको साथ में कौन से बुक साथ में अभी कैरी करने और साथ में कौन से कैरी नहीं करने वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पहला बुक है, पतला बुक है, ज्यादा कोई बड़ा बुक नहीं है। पतला बुक इसलिए है क्योंकि इसमें सोल्यूशन नहीं है। ऑब्वियसली अगर मैं सोल्यूशन डाल दूंगा तो ये भी मोटा बुक बन जाएगा। तो ये पहला बुक है। ये पहला बुक कौन सा है? दिस इज द फर्स्ट बुक विच इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट इन अवर क्लास। यही बुक इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा क्लास में। अगर आप आपके साथ दूसरा वाला, ये दूसरा वाला बुक है आंसर बुक, अगर आप अपने साथ ये वाला बुक नहीं भी रखते हो तो चलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो आंसर बुक है। आंसर बुक की रिक्वायरमेंट आपको कब पड़ती है? जब आप होमवर्क करोगे, जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। तो आप अगर इस बुक को साथ में कैरी ना भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में ये बुक नहीं भी रहेगी क्योंकि मेरे पास स्क्रीन पर रहेगा इसके सब चीजें, तो चल जाएगा। तो आप इस बुक को कैरी नहीं भी करोगे साथ में तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस बुक में क्या है? इस बुक में सारे चैप्टर्स कवर हैं। इस बुक में सारे चैप्टर्स कवर हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को छोड़कर। ये दोनों हो गई पतली पतली बुक्स। अगर मैं आंसर इसी बुक में डाल देता तो ये भी मोटी बुक बन जाती ओवरऑल। ठीक है? यस, ये सबसे मोटी बुक बन गई है। ये लगभग 452 पेजेस की बुक है, 450 पेजेस की बुक है। ये क्या है? ये क्वेश्चनियर है आपके सामने, कंपाइलर। और ये कंपाइलर अभी तक का अपडेटेड कंपाइलर है। अभी तक का अपडेटेड मतलब अभी जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ उस अटेम्प्ट तक का अपडेटेड कंपाइलर है। क्या है इसमें? चैप्टर वाइज आरटीपी, चैप्टर वाइज एमटीपी, चैप्टर वाइज पास्ट एग्जाम पेपर्स, चैप्टर वाइज ओल्ड सिलेबस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस, और इस बार इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल्स में जो 2-4 क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो भी मैंने इसमें डाल दिए। इस बुक को भी आप चाहो तो फिलहाल कैरी नहीं कर सकते, नहीं करना चाहो तो मत करो। क्यों? ये बुक यूं कह सकता हूं मैं कि ये बुक आपके लिए बाइबल रहेगा जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कई सारे बच्चों को ये फील आता है कि सर कोर्स कंप्लीट हो गया, हम प्रैक्टिस कहां से करें? क्लास वर्क बुक से तो कर लिया सर, आपने भी करवा लिया, हमने भी कर लिया, बोर हो जाएंगे वाई क्वेश्चन करके, हम प्रैक्टिस कहां से करते हैं? तो ये वाला जो बुक है ना, ये वाला जो बुक है, ये बुक आपको आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए काम आएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इस बुक को भी कवर करें। कितना कवर करेंगे, कितने चैप्टर कवर करेंगे, इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट हाँ हमारी कोशिश होगी कि हम इस बुक को भी उठाएंगे कोर्स कंप्लीट होने के बाद, जो मैंने प्रैक्टिस सेशन इस बार डिसाइड किया है। ठीक है? तो ये बुक आपको एग्जाम के लिए काम आएगी। एंड आई बिलीव देखिए मेरी मेहनत इसमें क्या है, मैं आपको सच बताऊं, बड़ा चढ़ा के हर कोई बोल सकता है, बट मैं सच बताऊं इसमें मेरी और मेरी टीम की मेहनत सिर्फ यही है, कॉपी पेस्टिंग। मैं सच्ची बोलता हूं, इसमें मेरी कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्टिंग है। कॉपी पेस्टिंग का मतलब कॉपी किया क्वेश्चन आरटीपी का चैप्टर वाइज, इसमें पेस्ट कर दिया, कॉपी किया पेस्ट कर दिया, कॉपी किया पेस्ट कर दिया, कॉपी किया पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। जो स्टूडेंट नहीं कर सकता, बेचारा स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम, अरे यार हर एक आरटीपी डाउनलोड करो, हर एक एमटीपी डाउनलोड करो, हर एक पास्ट एग्जाम डाउनलोड करो, फिर ढूंढो कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें मुझे कौन सा चैप्टर करना है कंसोलिडेशन, तो मुझे उसमें कौन सा आया कि नहीं आया। मैंने आपको वो कंपाइल करके दिया है, इसमें कोई मेरी बड़ी मेहनत नहीं रही। तो ये मैंने आपको कंपाइल करके दिया है, बट मार्क माय वर्ड्स 100% पेपर इसमें से ही बनेगा। तो क्या इसमें मैं अपनी कोई बड़ाई चढ़ाई करूं? नहीं, मतलब मेरा कहने का कि 100% पेपर हमेशा आईसीआई अपने मटेरियल में से ही बनाता है, आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम में से, तो 100% पेपर इसी में से ही बनेगा। आप लिख लो इस बात को, कुछ भी हो जाए तो 100% पेपर इसी में से बनेगा। अच्छा उसने लिख भी लिया, वो लिख भी रहा है चलो लिख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो ये बुक आपको अभी कैरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आईसीआई के सारे क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? मॉड्यूल क्वेश्चन इसमें है ना भाई। आईसीआई मॉड्यूल मतलब ये क्लास वर्क बुक, ये आईसीआई मॉड्यूल, और ये आईसीआई का आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम पेपर ओल्ड सिलेबस और न्यू क्वेश्चन एडेड, ये दोनों आईसीआई है कहीं ना कहीं, है ना। आई बात समझ में कि नहीं? अच्छा, द फोर्थ वन अगेन एक पतला बुक, फोर्थ वन इज ट्रम्प बुक। इस बुक में मैंने एएस कवर नहीं किए, तो एएस के लिए मैंने अलग से बुक बना ली। आई पर्सनली फील 30 मार्क्स अच्छे मार्क्स होते हैं, 30 मार्क्स का वेटेज अच्छा होता है, तो उसके लिए एक बुक सेपरेट होनी चाहिए। आपके लिए जरूरी सेपरेट बुक क्यों है? क्योंकि सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में इसमें एएस है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें कवर है। अच्छा, क्वेश्चन बैंक कंपाइलर में एएस के भी क्वेश्चन कवर है। ठीक है, तो ट्रम्प बुक अपन जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैं हर बार एडवांस अकाउंट जब करवाता हूं तो एएस सबसे लास्ट में करवाता हूं, इस बार मेरी प्लानिंग डिफरेंट है। जिस दिन मुझे एएस बीच बीच में करवाना होगा मैं आपको पहले ही बोल दूंगा कि ट्रम्प की बुक लेके आइएगा, हम वहां से पढ़ेंगे। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं हमेशा कहता हूं मेरी ये बुक मेरे दिल के करीब है। मैं जानता हूं कि इसमें कितना खून पसीना लगाया गया है। जब हम वर्ड बोलते हैं खून पसीना, तो सचमुच में वो खून नहीं होता है, बट एक्चुअली मैं इससे इसका मेरा इंटेंशन क्या है, इसका इंटेंशन ये है कि आपने शायद अभी कभी अपनी लाइफ में कभी ऐसा फेस फील किया होगा कि जब तुम जेन्युइनली कुछ मेहनत करते हो और उसका जब एक रिजल्ट या आउटपुट तुम्हारे सामने आता है तो तुम उसको लेकर कभी ऐसे फील आया कभी तुम्हारी जिंदगी में? तुम 18-20 साल के हो गए अभी तक, तो तुमने कभी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा काम किया हो जेन्युइनली कि यार तुमने मेहनत की और उसका फल एक्चुअली तुम्हें दिखा कि हाँ यार ये चीज को लेकर मैं बहुत फील आता है कि यार सीरियसनेस, हाँ यार मैंने इसके ऊपर काम किया और देखो अब ये चीज बहुत अच्छी बन गई। वैसा कुछ है, इसके ऊपर मैंने अच्छा खासा काम किया, मैंने अपने आप को टाइम दिया और ये सामने एक बुक निकल के आ गई। हमेशा क्लास के स्टार्टिंग इनिशियल डेज में मैं हमेशा बोलता हूं देखना बेटा ये बुक तुम्हारे काम की एग्जाम डेज में आएगी, एग्जाम डेज के अलावा ये बुक तुम्हारे काम की नहीं आएगी। और एग्जाम डेज में देखना जब तुम शॉर्ट ऑफ द टाइम चल रहे होगे तो तुम हर एएस को शॉर्ट टाइम में कवर करने के लिए तुम इस बुक को जरूर रेफर करोगे। और इस बार यही हुआ, जब एग्जाम हुआ अभी दिसंबर अटेम्प्ट, तो जब बच्चे एग्जाम देके वापस आए तो मुझे सभी बच्चों ने ये बोला कि हाँ सर अब समझ में आ रहा है कि चार्ट बुक की इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली। तो ये बुक मेरे दिल के बहुत करीब है, मैंने बहुत इसको तरीके से बनाया है। इसमें ग्रुप 1 के ग्रुप 2 के सारे एस कवर है, मतलब ये कोई सिर्फ ग्रुप 2 की बुक नहीं है, ग्रुप 1 के ग्रुप 2 के सारे एस कवर है और उसके अलावा कुछ टॉपिक्स भी कवर है। जैसे ग्रुप 2 में कंसोलिडेशन होता है तो उसके चार्ट भी आ गया, ग्रुप 2 में अमेलगमेशन होता है तो उसका चार्ट आ गया, है ना। तो कुछ टॉपिक भी कवर किए। आई पर्सनली फील की ये बुक आपको एग्जाम में बहुत काम आएगी, संभाल के रखना। एंड आई पर्सनली फील होता है ना, अपन सीए इंटर क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद अपन अपनी बुक्स बांट देते हैं। ये दोनों बुक्स कभी जिंदगी में किसी को मत बांटना, बाकी बांट देना अपने जूनियर्स को, ये दोनों बुक्स मत बांटना, क्योंकि सीए फाइनल में तुम्हें ये बुक्स भी थोड़ा बहुत काम आएगी, आर्टिकलशिप में रेफर करने में, चलो यार बुक पढ़िए देख लेते हैं। तो ये बुक कभी किसी को मत बांटना, ये बुक तुम्हें काम आएगी बहुत ज्यादा। तो चलिए, तो ये बुक का मैंने आपको दर्शन करवा दिया। लीजिए, आपकी थी ना, ये आपकी थी, बहुत भारी हो गई यार इस बार। हाँ भाई, वापस आते हैं अपनी। अच्छा, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, होमवर्क कर लिया? होमवर्क हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 था, 7 और 9 था। क्या हुआ स्टेटस उसका? क्वेश्चन नंबर 7 की बैलेंस शीट टली हुई क्या? क्वेश्चन नंबर 7 की बैलेंस शीट टली हुई क्या? हो गई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 की बैलेंस शीट टली हो गई, आपसे नहीं हुई कोई बात नहीं। आंसर बुक से एक बार रेफर किया? अच्छा, अब मिलिए तो एक काम करते हैं, क्योंकि आपको 7 का नहीं है उसमें, कोई बात नहीं, देख लो एक बार। हाँ, हो सकता नहीं है कि आरटीपी का क्वेश्चन है। तो मुझे बता दो बैलेंस शीट में क्या क्या आया, बता दो जिसकी बैलेंस शीट टैली हुई है। मुझे बता दीजिए बैलेंस शीट में क्या क्या आया। हाँ हाँ हाँ, तो मुद्दे की बात पे आ, मेन में शेयर कैपिटल कितना है 40, पूरा पूरा लिखना है क्या? नहीं, शेयर कैपिटल 40 और 285, इसके अंदर कौन कौन से हैं? कैपिटल रिजर्व 50, 150, ठीक है, इधर ही गलत हुआ। तीसरा क्या है? हाँ 140, 465, हाँ पीपी 150, इन्वेस्टमेंट्स 120, हाँ 195, 465, हाँ यही हुआ। तो ये बैलेंस शीट टैली भाई हो रही है। कुछ आपने गड़बड़ किया होगा सीआरआर में, क्या गड़बड़ किया था? हाँ अमाउंट गलत हो गया था, ठीक है। होमवर्क किसी किसी ने नहीं किया, क्यों? टाइम नहीं मिला। मतलब कुल मिला के टाइम नहीं मिला ना। हाँ इधर कर लिया, बाकी बैलेंस शीट नहीं बनाया था। देख बेटा क्वेश्चन सारे मतलब होमवर्क कर रहे हो तो सब कुछ कंप्लीट करो, है ना। हाँ मैं जानता हूं कि तू थोड़ा सा थकेला है, पर स्टडीज में थकेलापन मत निकाल, नहीं तो फिर तकलीफ में आ जाओगे। बाकी इधर डेट रेशो 3.6 तो 1 लाख का बैलेंस उसमें दिया हुआ था ऑलरेडी ऊपर से, तो मैंने नीचे सीधा कंफ्यूजन दी थी कि बैलेंस रखो। क्वेश्चन नंबर 7 में पॉसिबल ऐसा नहीं हो सकता। होगा ना, 25,000 शेयर्स बायबैक है ना। 1 लाख किसने बोला तेरे को? कहाँ लिखा है 1 लाख? 1 लाख वो 7 नंबर क्वेश्चन में है। तू पहले देख ले, तू पहले अपने आप से बातें कर, पहले तू देख ले कि तू अपनी तन्हाइयों में से बाहर निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है। तू कल से थोड़ा सा ऑफ चल रहा है, तो तू पहले से देख ले कि तेरा क्या हो रहा है। तू पहले आराम से देख ले। पहली बात तो इस क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। आप मुझे इस क्वेश्चन की समरी बताइए। मुझे ये बताइए कि जो पहला टेस्ट आपने किया, आउटस्टैंडिंग टेस्ट, उसके अकॉर्डिंग कितने नंबर्स आ रहे हैं? 31,250 नंबर ऑफ शेयर्स हम बायबैक कर सकते हैं, ठीक है। ये पक्का ऐसा आदमी ने ना क्वेश्चन नंबर 7 और 9 को मिक्स कर दिया है, तो भी फिर दिक्कत है। सेकंड रिसोर्स टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट में आपका क्या हुआ? हाँ 39,000 0 39062 या 63, ठीक है। अरे तो 62 हुआ ना, पॉइंट के बाद का नहीं लेना, शेयर्स को आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तीसरा डेट इक्विटी टेस्ट, डेट इक्विटी एक सेकंड, डेट इक्विटी टेस्ट के लिए आपने करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग को भी लेना पड़ेगा। डेट में आपके टोटल डेट आएंगे 45,25,000, तो डेट इक्विटी टेस्ट क्या आया? हाँ 28, तो विच एवर इज लोअर क्या आया? लोअर इज 28, तो इसका मतलब ये 28,750 क्या है? मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक। और प्रपोज कितना है? प्रपोज कितना है 25। अरे भैया कर सकते हैं बायबैक, तो ये क्या पूछ रहा है, कमेंट करने को बोल रहा है ना, कमेंट विथ योर कैलकुलेशंस whether the buyback of shares by the company is with the provisions of Companies Act. Yes, it is according to the provision of Companies Act. The proposed buyback of 25,000 is in the compliance of Companies Act because as per the Companies Act, we can buy back up to 28,750. Understood? Huh? All right. That's great. तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपसे। अच्छा, इसमें आपको बैलेंस शीट भी बनाना था, बन गया बैलेंस शीट एज यूजुअल? सर बैलेंस शीट नहीं बनाया मैंने, ये वाला नहीं बनाया, ऊपर वाले का बनाया था। बैलेंस शीट से क्या दिक्कत है? हाँ, फेस टू फेस होता है ना। अच्छा, 2 दिन तो तूने मेरा भाई अटेंड नहीं किया शुरू से। सही है, हर क्लास में उस फैकल्टी को मक्खन लगाओ, उससे बना के चलो, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे की क्लास में दूसरे की फैकल्टी का बोला सर उसका कर रहा था, तुम्हारा तो सर समझ में आता है, सर उसका नहीं आता सर। चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं अभी 2 मिनट में एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और फेस टू फेस में बैठे हुए बच्चों को अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हम 2 मिनट में ईसॉप का चैप्टर शुरू कर रहे हैं अदरवाइज। सर सेकंड वाली टेस्ट एक्सप्लेन करो, सेकंड वाली टेस्ट एक्सप्लेन करो। ये सेकंड वाली टेस्ट का कैलकुलेशन बताना मुझे जल्दी। इक्विटी कैपिटल कितना है? 12,50,000। कोई बात नहीं। रेवेन्यू रिजर्व 15 lakhs। सिक्योरिटी प्रीमियम 250। P&L 125। बस टोटल रिसोर्सेस कितने हैं? 31 लाख बेटा, 31,25,000, 31,25,000। इसका 25% मैक्स बायबैक 781,250 डिवाइडेड बाय 20 रुपीज का बायबैक प्राइस कितना हुआ? 39,062 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है, ऑल राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फेस टू फेस स्टूडेंट्स के पास एक फैसिलिटी नहीं होती, बट आपके पास फैसिलिटी होती है ऑनलाइन और रिकॉर्डेड बैच वालों के लिए। ये फैसिलिटी होती है कि जब आप मोबाइल पर या लैपटॉप पर क्लास देखते हो तो आपके पास एक शस्त्र है पॉज करने का। तो आप लोग मेरे ऊपर सवाल नहीं उठा सकते कि सर आप देखो इधर उधर कर रहे हो, बार बार अपने चले गए। आप पॉज करो, आपको कुछ नोट करना है तो आप पॉज करिए। आप ये कंपेल नहीं कर सकते कि सर नहीं सर जब तक मैं पूरा कंप्लीट नहीं लिखूं तब तक आप रुके रहिए, ये चीजें आपके लिए करना पॉसिबल नहीं है। तो पॉज का बटन आपके पास होता है, आप पॉज के बटन का उपयोग करें। चलिए, अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब सबसे पहले मैं बोलूंगा कि सबसे पहले आप अपना अपना निकाल लीजिए। आपके पास नोट्स, अब तो बुक आ गई सबके पास है ना, जिनका पास अभी भी नहीं होगा तो वो थोड़ा सा साथ में बैठ के मैनेज कर लीजिए, अगर किसी के पास कुछ है प्रॉब्लम तो, है ना। मतलब अभी तक अगर किसी को बुक्स नहीं मिली, एडमिशन नहीं करवाया, कोई बात नहीं, आप साथ में बैठ जाइए ताकि शेयरिंग वगैरह हो जाए। ईसॉप चैप्टर के पीडीएफ नोट्स, तो मैं ईसॉप चैप्टर के पीडीएफ नोट्स डाल रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे। ये मैं बता रहा हूं फेस टू फेस वालों को भी और ऑनलाइन वालों को भी। तो यहां पर अगर किसी के पास नहीं तो टेलीग्राम से आप सॉफ्ट कॉपी में तो देख सकते हो। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, फेस टू फेस वाले जो भी, सॉरी जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो मेरे टेलीग्राम पे चले जाएं। या तो वी स्मार्ट का टेलीग्राम चैनल या तो मेरा टेलीग्राम चैनल, दोनों पे चले जाएं, मिल जाएंगे आपको। मैं अभी डाल देता हूं। ये आ गए टेलीग्राम पे। ठीक है, ऑल राइट। सर हमने बायबैक का चैप्टर किया, इसका अप्रॉक्स क्या वेटेज रहता है? इसका वेटेज रहता है अप्रॉक्स 8 to 12 मार्क्स। बायबैक का जो हमने चैप्टर किया इसका वेटेज रहता है 8 to 12 मार्क्स। हम जो ईसॉप का चैप्टर कर रहे हैं इसका क्या वेटेज रहता है? अप्रॉक्सली 5 to 10 मार्क्स। 5 to 10 मार्क्स कुछ ज्यादा ही वेरी कर रहा है। यस, छोटा छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है जहां पर वो सिर्फ कैलकुलेशन पूछेगा। 5 मार्क्स भी आ सकता है, 6 मार्क्स का भी आ सकता है। हो सकता है वो ज्यादा कुछ उसमें ज्यादा बड़ी कैलकुलेशंस हो, बड़ा क्वेश्चंस आ गया तो वो 10 मार्क्स तक भी जा सकता है। ठीक है। अच्छा, एक अच्छी बात बताऊं आपको, पूरे एडवांस अकाउंट्स में एक तो नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है। चैप्टर्स बड़े बड़े हैं पर कम है। जैसे पार्टनरशिप बहुत बड़ा है, कंसोलिडेशन बहुत बड़ा है, अमेलगमेशन बहुत बड़ा है, पर अगर ओवरऑल नंबर ऑफ चैप्टर्स देखें तो आपके ओवरऑल नंबर ऑफ चैप्टर्स 10 चैप्टर्स हैं। अब एक अच्छी बात बताऊं आपको, पूरे सिलेबस के लिए, मतलब स्पेशली चैप्टर्स के लिए, पूरे एडवांस अकाउंट्स में 10 चैप्टर हैं। कौन कौन से 10 चैप्टर हैं मैं आपको शुरू से बता रहा हूं। एक बायबैक, एक ईसॉप, एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक अमेलगमेशन, एक लिक्विडेशन, एक कंसोलिडेशन, एक बैंकिंग और एक NBFC। कितने हुए? 8 हुए। शेड्यूल नंबर 3 ये हो गया 9 और एक पार्टनरशिप 10। कुल मिला के 10 चैप्टर हैं। अब 10 में से शेड्यूल 3 तो हटाई दो तो कितने बचे इफेक्टिव चैप्टर? कितने बचे? 9 चैप्टर्स बचे। 9 चैप्टर्स बचे। अच्छी बात क्या है, दो ही ऐसे चैप्टर हैं, दो ही ऐसे चैप्टर हैं जो हम ये कह सकते हैं कि ये कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। बाकी सारे चैप्टर ऐसे हैं कि हमेशा आएंगे। अब जैसे ग्रुप 1 का जो अकाउंट्स होता है उसमें क्या, जैसे हायर परचेज है, अरे यार ये कभी आता है कभी नहीं आता है ना। कैश फ्लो है, कभी आता है कभी नहीं आता है ना। उसमें चैप्टर ज्यादा है। यहां आप फिर भी मैं आपको अगर समराइज करूं तो 9 चैप्टर्स में से आप ये मान के चलो कि लिक्विडेशन, ज्यादातर चांसेस लिक्विडेशन में ज्यादा होते हैं। एनबीएफसी भी फिर भी आ ही जाता है, चलो एनबीएफसी भी उसको गिन लो, तो बाकी के 7 चैप्टर में से तो आना ही आना है, कुछ भी कर लो आना ही आना है। चैप्टर्स ही बहुत कम है। समझ में आ रही बात की नहीं? पर आप जैसे इन 7 चैप्टर्स की बात करें, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं आपके सिलेबस का। इन 7 चैप्टर्स की बात करें तो पार्टनरशिप का 12 से 16 का आना ही आना है। अमेलगमेशन या फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में से दोनों में से कोई एक ही आएगा, क्योंकि दोनों ये चैप्टर इंटरलिंक्ड है। यही दो चैप्टर बस आपस में थोड़ा सा एक हल्की सी लिंकिंग क्रिएट करते हैं, तो इसमें से 16 मार्क्स का आएगा ही आएगा। कंसोलिडेशन मिनिमम 10 से 15 मार्क्स का आएगा ही आएगा। अगर आप ये तीनों चैप्टर को उठा लो, ऐड करो, तो कितना हो रहा है अप्रॉक्स? आप पार्टनरशिप का भी 15 ही पकड़ो, 15 इसको भी 15 पकड़ो और इसको आप मिनिमम 10 पकड़ो, तो 15 15 10, 40 मार्क्स तो आपके तीन चैप्टर से कवर हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे पार्टनरशिप है, अब पार्टनरशिप साला इतना बड़ा है कि पार्टनरशिप में 3 यूनिट होते हैं। पहला यूनिट डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन में भी इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। दूसरा यूनिट पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन, नई चीज है वो, शायद आपने कभी पढ़ी नहीं होगी, पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा पार्टनरशिप के अंदर अमेलगमेशन एंड कन्वर्जन इनटू कंपनी, पार्टनरशिप के अंदर ही फर्म्स का आपस में अमेलगमेशन और कन्वर्जन इनटू कंपनी। तो पार्टनरशिप में ही साला 15 नंबर का क्वेश्चन किसके आएगा ये नहीं पता, ये नहीं बता सकते, पर आएगा तो सही। अब वो पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन का आ जाए, अब वो आपका अमेलगमेशन का आ जाए, या फिर आपका नॉर्मल डिसोल्यूशन का आ जाए। कंसोलिडेशन की बात करें, 10-15 मार्क्स का जो आता है, कंसोलिडेशन में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फुल फ्लैच दो टाइप के क्वेश्चंस, या तो कंसोलिडेट बैलेंस शीट या तो कंसोलिडेट पी&एल। पी&एल के चांसेस कम होते हैं, पर एक बार एग्जाम में आया है, एक बार एग्जाम में जरूर आया है। पी&एल के चांसेस होते कम है, अगर बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ गया तो कंसोलिडेट पी&एल का क्वेश्चन नहीं आएगा। कंसोलिडेट पी&एल उसने पूछ लिया 10-12 मार्क्स में, तो बैलेंस शीट अलग से नहीं पूछेगा। तो चैप्टर्स बहुत लिमिटेड हैं, इसीलिए हम ये जरूर कह सकते हैं हर चैप्टर पढ़ते वक्त कि यार पेपर में तो आज नहीं आना है। ऐसा नहीं कि पता नहीं इस चैप्टर में से पेपर में से आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, ईसॉप का वेटेज कितना बोला मैंने आपको? 5 to 10 मार्क्स। एक और बात याद रखना, ये चैप्टर आपको सीए फाइनल में बहुत काम आने वाला है। मार्क माय वर्ड्स, ये आपको सीए फाइनल में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, और यही चैप्टर सीए फाइनल में श्योर शॉट 10 मार्क्स का हमेशा आता है। अच्छा, वेटेज भी दिया हुआ है शुरू से आईसीए ने कि 10 मार्क्स का पूछेंगे और पूछ के रहेंगे, और इसी चैप्टर के 3 पॉइंट्स होते हैं, उन तीनों में से पूछेंगे, देख लो जो करना है कर लो। तो यह चैप्टर आपको सीए फाइनल में डिट्टो कैरी फॉरवर्ड होगा, पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड होगा, हल्का सा लेवल हाई हो जाएगा बस। तो इसीलिए चैप्टर बहुत जबरदस्त है और इंटरेस्टिंग है, काम आएगा, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ के ये चैप्टर। चैप्टर का नाम है ईसॉप, शॉर्ट में बोला मैंने। फुल फॉर्म की अगर बात करें तो फुल फॉर्म इज अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप। हर कंपनी को यह डर रहता है कि जो उसका स्टाफ है, उसके जो वर्कर्स हैं, उसके जो एम्प्लॉइज हैं, वो कंपनी को छोड़ के ना चले जाए। स्पेशली वो एम्प्लॉइज जो स्किल्ड हैं, जो सालों से कंपनी में काम कर रहे हैं, और उन एम्प्लॉइज की जरूरत किसी और कंपनी को भी पड़ रही है, कॉम्पिटिटर के लिए भी वो एम्प्लॉइज काम के हो सकते हैं। हर एक छोटी से छोटी कंपनी के लिए उसका एम्प्लॉय बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हर कंपनी को यह डर बना रहता है कि यार हमारा एम्प्लॉय अगर कल को हमारी कंपनी छोड़ के चला गया तो एक तो इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस हमारी कंपनी से चला गया, दूसरा जो नया एम्प्लॉय आएगा उसको शुरू से सिखाओ, ट्रेनिंग दो, क्या पता वो रिटेन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो कंपनी की ऑब्वियसली वर्किंग गड़बड़ा जाएगी ना। स्पेशली अब इसमें मैं एम्प्लॉइज में भी ना कुछ कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूं, स्पेशली ऐसे एम्प्लॉइज जो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में काम आते हैं, जो कंपनी की पॉलिसीज क्रिएट करते हैं, कुछ डिसीजंस उनके हाथ में रहते हैं कि इस तरीके से मार्केटिंग करेंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट सेल होगा। आइडियाज उनके पास होते हैं, क्रिएटिव माइंड्स वाले जो एम्प्लॉइज होते हैं, डिसीजन मेकिंग वाले जो एम्प्लॉइज होते हैं, जैसे हर कंपनी का सीईओ, सीएफओ, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जो एक अच्छी पोजीशन पे होते हैं, हम उसको शॉर्ट में बोल सकते हैं केएमपी, की मैनेजर, आप बताइए, की मैनेजरियल पर्सन। हर कंपनी को यह डर रहता है कि हमारा जो केएमपी है, हमारा केएमपी, हमारे केएमपी में जितने लोग हैं वो कंपनी छोड़ के ना चले जाए, वो कंपनी छोड़ के ना चले जाए। मैंने तो ये बहुत करीब से देखा है। मेरे कुछ बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो पुणे में ही हैं, कम से कम 11-12 साल से वो पुणे में ही हैं। अब वो अलग अलग, मैंने कॉमर्स लिया था, उन लोगों ने साइंस लिया था, तो जब मैं सीए कर रहा था उनकी जॉब लग चुकी थी। हमारे में तो ऐसे ही होता है, हम सीए कर रहे हैं उनकी जॉब लग गई, हम सीए कर रहे हैं उनकी शादी हो गई, हम सीए कर रहे हैं उनके बच्चे हो गए, ठीक है। तो बेसिकली उन सबकी जॉब यहाँ पर पुणे में लगी हुई थी। They started their journey with 3 लाख रुपीस पैकेज। एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं नाम लूंगा उसका जरूर, निशांत, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो बचपन से हम साथ में, मतलब KG1 से साथ में है, और आज भी वो मेरे साथ पुणे में है, वो हिंजेवाड़ी में रहता है और मैं यहाँ पर अभी शिफ्ट हुआ हूँ। तो पॉइंट ये है कि उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 3 लाख रुपीस के पैकेज से, 3 लाख रुपीस से, और आज वो 85 लाख रुपीस पर है, 85 लाख रुपीस पर मंथ, पर एनम। सो ही स्टार्टेड हिज, व्हाई ही इज इन वोडाफोन। मैं उससे कभी कभार पूछता हूं तेरा काम क्या है, रिचार्ज रिचार्ज कर लिया कर मेरा यार, वोडाफोन में तू। वो बोलता है भाई मैं मैनेजर हूं, मेरे अंडर पूरी टीम है, मेरा काम कुछ नहीं है, मेरा काम सिर्फ फोन पे इंस्ट्रक्शन देने का है, क्योंकि मैं कंपनी के डिसीजन मेकिंग का पार्ट हूं। मैं ये कोई सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पर वो खुद कहता है घंटा मुझे कुछ नहीं आता, मैं भूल गया सब। वो तो शुरू के बस 2-4 मैंने कोर्सेज कर लिए थे इंजीनियर बनने के बाद, कोई जावा वावा ये C++ ये सब सीख लिए, शुरू में काम आ गया, पर आज मैं मैनेजर लेवल पर हूं। आज मैं काम नहीं करता हूं, आज मैं काम को हैंड ओवर करता हूं दूसरों के हाथों में। उसका काम है एम्प्लॉइज को संभालना, अपनी टीम को बनाए रखना, उसको जो प्रोजेक्ट दिया गया उसको प्रोजेक्ट को टाइम पे करना। उसके यूएस के क्लाइंट्स हैं और बस अपने यूएस के क्लाइंट्स के साथ डायरेक्ट डीलिंग करता है। और ऐसे ही हमारे ग्रुप में जितने भी फ्रेंड सर्कल है, मिनिमम पैकेज 50 लाख रुपीस वाले, मिनिमम पैकेज 50 लाख रुपीस वाले, मिनिमम बोल रहा हूं, मतलब मैक्सिमम तो बहुत सारा हो जाता है, अलग ही हो जाता है। सो कहने का मतलब जो ऐसे वाले एम्प्लॉयज होते ना, मुझे उसने एक दिन कहानी बताई, मैंने बोला यार तू साले, जब से मैं देख रहा हूं तेरे को 11 साल हो गए पुणे में। अच्छा पहले वो चेन्नई में था, पहले वो चेन्नई में था, फिर वो पुणे आया। मैंने तेरे को 11 साल हो गए यार, तू साले हर 2 साल में कंपनी चेंज कर रहा है, पागल हो गया क्या तू, हर 2 साल में कंपनी चेंज कर रहा है। तो उसने मुझे जवाब क्या दिया, सिंपल जवाब उसने मुझे दिया कि भाई जब पैसे ज्यादा मिलेंगे तो चेंज क्यों नहीं करूंगा, और पता है कि मेरे में है वो टेक्निक है, मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से कंपनी को घुमाना है, मुझे कैसे पैसे निकालने हैं, तो मैं क्यों नहीं चेंज करूंगा। उस भाई ने 11 साल में 11 कंपनियां चेंज की हैं, 11 साल में 11 कंपनी चेंज करने के बावजूद आज ही इज एट 85 लाख रुपीस पैकेज। क्यों? क्योंकि उसके पास जो स्किल्स है वो स्किल्स कंपनी के लिए बहुत काम की है। वो बंदा कंपनी के लिए की मैनेजरियल पर्सन है, वो जो मेरा फ्रेंड है, और कंपनी उसको रिटेन करना चाहती है। कंपनी किसी भी तरीके से उसको ये नहीं चाहती कि हम रिटेन ना करें। उसकी ये जो करंट कंपनी है वो वोडाफोन है, लास्ट कंपनी कोई सिनेक्रॉन करके पता नहीं कोई थी, आई डोंट नो आपने नाम सुना होगा कि नहीं। हिज पैकेज वाज 52 लाख सिनेक्रॉन में, शूट अप टू 85। सो द पॉइंट इज कि कंपनीज के लिए एम्प्लॉइज और ऐसे लेवल वाले जो एम्प्लॉइज होते हैं जो कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू, अब साहब सोचो ना यार, एक कंपनी जो अपने एम्प्लॉय को 85 लाख रुपीस दे रही है, वो अपने एम्प्लॉय को 85 लाख रुपीस देने से खुद कितना कमा रही होगी, है ना, खुद कितना कमा रही होगी। सो द पॉइंट इज कि एम्प्लॉइज कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट की मैनेजरियल पर्सन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब कंपनी उनको रिटेन कैसे करे, सैलरी दे रहे हैं ठीक है, इंक्रीमेंट चल रहा है ठीक है, अलाउंसेस दे रहे हैं ठीक है, कई सारे परक्यूसेट्स वगैरह हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी फैमिली के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है, देन टू और क्या, उनको कैसे बांध के रखा जाए, उन एम्प्लॉइज को कैसे बांध के रखा जाए। तो इंडिया में सबसे पहले इंफोसिस कंपनी के जो नारायण मूर्ति जी, आपने नाम सुना होगा ना ऑब्वियसली, ये कॉन्सेप्ट लेके आए इंडिया में कि यार अगर मुझे एम्प्लॉइज को बांध के रखना है तो मुझे उनको एक फील देना पड़ेगा कि तुम कंपनी के ना सिर्फ एम्प्लॉय हो, तुम कंपनी के शेयर होल्डर हो, ताकि मैं उनको ये फील दूंगा ना कि यार तुम कंपनी तुम्हारी है, कंपनी तुम्हारे कारण चल रही है, तुम कंपनी के सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हो, तुम कंपनी के शेयर होल्डर हो भाई। अब शेयर होल्डर बोलने से ही मतलब कंपनी मेरी हो गई, सीधी बात है, मैं कंपनी का शेयर होल्डर मतलब ओनर। तो उनको मुझे फील देना है, क्यों? मैं उनको ये फील दूंगा तो वो मेरे लिए काम करते रहेंगे, और ये फील देने के चक्कर में मैं उनके ऊपर एक कंडीशन डाल दूंगा कि देख, शेयर होल्डर बनना चाहता है ना, 5 साल मिनिमम काम करना पड़ेगा। शेयर होल्डर बनना चाहता है ना, मिनिमम 3 साल तेरे को कंपनी के साथ बने रहना पड़ेगा। तो मैं तेरे को इश्यू कर दूंगा शेयर, मैं तेरे को फ्री में शेयर दे दूंगा। आज कंपनी के शेयर की वैल्यू है 2500 रुपए, मैं तेरे को 400 रुपए में शेयर दे दूंगा। बस शर्त यह है 3 साल तक मेरी कंपनी में तेरे को बने रहना है। ये कहा जाता है कि नारायण मूर्ति जी ने अपने ड्राइवर तक को ईसॉप दिया था, ईसॉप अनाउंस किया था, उसको भी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दिया गया था। सो द पॉइंट इज कि व्हेन वी नो द एम्प्लॉय इज द इंपॉर्टेंट एसेट फॉर द कंपनी, तो उस एम्प्लॉय को रिटेन करने का एक ये बहुत अच्छा टेक्निक है कि आप अपने एम्प्लॉय को शेयर्स ऑफर करिए, आइदर फ्री में या फिर कंसेशनल रेट पर। नॉर्मल प्राइस पर अगर आप उसको शेयर ऑफर कर रहे हो तो वो क्यों इंटरेस्ट दिखाएगा? आप मुझे बताइए। अगर मैं आपको बोलूं कि ये कंपनी का प्राइस है 500 रुपए और मैं आपको 500 रुपए में दे रहा हूं, आपको इंटरेस्ट दिखाओगे क्या? आप बोलोगे सर वो तो हम बाहर से भी खरीद लेंगे, आप हमें देके क्या कर रहे हो? और यही मैं बोलूं कि ये कंपनी का प्राइस है, कंपनी के शेयर का प्राइस है 500 रुपए और मैं आपको ये 200 रुपए में दे रहा हूं। हाँ, आप 200 रुपए लगाने से भी पहले ये सोचोगे कि इस कंपनी में पोटेंशियल है कि नहीं है। मैं अपने 200 रुपए भी लगा रहा हूं तो ढंग की जगह लगा रहा हूं कि नहीं लगा रहा हूं। मैं उस कंपनी का एम्प्लॉय हूं तो ठीक है, मेरी वो जो भी किस्मत है मुझे तो करना पड़ रहा है, पर क्या मैं वो 200 रुपए लगाऊं कि नहीं? इस कंपनी का पोटेंशियल है कि नहीं? ऑब्वियसली पोटेंशियल देख के तुम जरूर पैसा लगाओगे अगर तुम्हें दिखेगा कि यार कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का मतलब होता है कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक प्लान अनाउंस किया है, जिस प्लान के तहत कंपनी एम्प्लॉयज को शेयर इशू करेगी, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को इक्विटी शेयर्स इशू करेगी, एंड द एम्प्लॉय विल बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। एम्प्लॉय क्या बन जाएगा? कंपनी का शेयर होल्डर। और ये शेयर कंपनी अपने एम्प्लॉय को ईदर फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रही है, एम्प्लॉय के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंपनी के लिए तो नुकसान हो गया ना, और दूसरा या तो फिर वो उसको कंसेशनल प्राइस पे प्रोवाइड कर रही है। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस चैप्टर में एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं समझने वाले हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाले? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब कंपनी अपने एम्प्लॉय को ईसॉप अनाउंस करता है तो ईसॉप अनाउंस करने से लेकर, जैसे मैंने आज की डेट पर आपको ईसॉप अनाउंस किया, मैंने दिया नहीं, मैंने ये बोला कि तुम सब लोग ना अगर मेरी क्लास कंटिन्यू करोगे ना, अगर तुम लोग मेरे क्लास में आओगे ना, एडमिशन लोगे ना, तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, ठीक है ना, मैं तुम लोगों को एक्स्ट्रा एडवांटेज दूंगा, मैं तुम्हें ना सीए फाइनल की 50% क्लासेस 50% डिस्काउंट दे दूंगा सीए फाइनल में, अगर तुम मेरा सीए इंटर का करोगे तो। तुमने बोला ओके। अब सीए फाइनल में तो तुम बाद में आओगे ना, तो मैंने बोला कि भाई देख 50% डिस्काउंट अभी नहीं दूंगा, 50% डिस्काउंट बाद में दूंगा, अभी तो मैंने सिर्फ अनाउंस कर दिया। तो आज जो मैंने अनाउंस किया सीए इंटर में कि तुम मेरे पास अगर क्लास करोगे तो फाइनल में मैं तुम्हें 50% डिस्काउंट दे दूंगा, फाइनल में मैं तुम्हें 50% डिस्काउंट दे दूंगा, तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि अनाउंसमेंट से लेकर एंड तक जब तुम रियली में मुझसे 50% डिस्काउंट लोगे, शायद 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद, जब भी, तब तक के पीरियड में कंपनी इसकी क्या अकाउंटिंग करेगी? अनाउंसमेंट से लेकर एंड तक कंपनी इसकी क्या अकाउंटिंग करेगी? वो अकाउंटिंग हम समझेंगे ईसॉप वाले चैप्टर में, ठीक है। देखा जाए तो यह चैप्टर बहुत छोटा है, इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए हैं आईसीआई ने, बट मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं फाइनल लेवल के, सीए फाइनल लेवल के, ताकि आपको पहले से ही एक हायर लेवल की स्टडी करवाई जाए। यस तो चलिए थोड़ा सा पहले हल्का सा थ्योरेटिकल पार्ट होगा, पहले हम उसको रीड करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकल पार्ट की बात करेंगे। Important overview about the topic. Employee stock option plan ESOP is an option. अब जैसे ही वर्ड आया ऑप्शन, देखो ESOP में वर्ड क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात की नहीं? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ऑप्शन। देखिए यहां पर जब एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को ऑफर कर रही है कि मैं तुम्हें शेयर इशू करूंगा अगर तुम 2 साल 4 साल 6 साल मेरी कंपनी में काम करोगे, ये तुम्हें ऑप्शन दिया है, तुम्हारा राइट है, ये कोई मैं मैंडेटरी नहीं बोल रहा हूं कि तुम्हें शेयर खरीदना ही पड़ेगा। सो हियर द ऑप्शन मींस राइट, ऑप्शन हियर मींस राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। यहां ऑप्शन का मतलब राइट हुआ, यहां ऑप्शन मतलब ऑब्लिगेशन नहीं हुआ। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? राइट मतलब ये एम्प्लॉय के ऊपर है कि वो ये ऑप्शन ले सकता है या ऑप्शन छोड़ सकता है। आई बात समझ में कि नहीं? पर ये उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है कि लेना ही पड़ेगा। तो ये एक राइट है गिवन टू द, किसको किसको दिया जाता है? डायरेक्टर्स को दे सकते हैं, ऑफिसर्स, परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी और ऑफ इट सब्सिडरी। अरे बाप रे, मतलब एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉइज को भी ऑफर कर सकती है। एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉइज को भी ऑफर करती है कि तुम हमारे शेयर्स ले सकते हो। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, परमानेंट एम्प्लॉइज और सब्सिडरीज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी टू परचेस। ये ऑफर किस चीज का है? ऑफर क्या है? पढ़ो, इसको मैंने हाईलाइट किया है। टू परचेस और सब्सक्राइब क्या सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, हाँ, ऑफर्ड बाय द एट अभी एग्जांपल दिया, एडवांस अकाउंट्स की क्लास करोगे तो फ्यूचर में 50% डिस्काउंट दूंगा। तो ऑफर तो फ्यूचर का है ना, मतलब फायदा कब मिलेगा? फायदा फ्यूचर में मिलेगा। वैसे ही फ्यूचर डेट में अगर तुम मुझसे शेयर परचेस करोगे, मतलब तुम्हें अगर तुम मुझसे शेयर परचेस करोगे तो मैं तुम्हें सस्ते में दूंगा, ऐसा कुछ, ठीक है। एट कंसेशनल प्राइस, जनरली कंसेशनल प्राइस पर। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? आप ये भी लिख सकते हो कंसेशनल प्राइस और फ्री ऑफ कॉस्ट, और फ्री ऑफ कॉस्ट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, द कंपनी ग्रांटिंग द ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉई परस्यूएंट टू ईसॉप विल हैव द फ्रीडम to determine the exercise price in conformity with the applicable accounting policies if any। सुनिए, एक वर्ड है exercise price, लिखिएगा मत, लिखा हुआ है बुक में ऑलरेडी, बस मैं आपको समझा रहा हूं। exercise price, ये exercise price क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं कि कंपनी का शेयर जिसकी आज मार्केट प्राइस है 2500 रुपए, कंपनी का शेयर जिसकी मार्केट प्राइस है 2500 रुपए, कंपनी ने ऑफर किया कि हम ये शेयर आपको 50% कंसेशन पे देंगे, तो बताइए कितने पे देंगे? तो इसका मतलब एक्सरसाइज प्राइस हो जाएगा 1250। एक्सरसाइज प्राइस मतलब जितने में हमने उसको ऑफर किया है, तो यू कैन से एक्सरसाइज प्राइस मींस द ऑफर प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस मतलब ऑफर प्राइस, जितने में उसको ऑफर किया गया। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अंडरस्टूड और नॉट? तो कंपनी जो ईसॉप अनाउंस करती है वो एक्सरसाइज प्राइस खुद डिसाइड करेगी, वो उसकी खुद की पॉलिसी होगी कि हम अपना एक्सरसाइज प्राइस क्या रखें, वो कंपनी का खुद का डिसीजन है। थर्ड, देयर शैल बी अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर बिटवीन द ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड द डेट ऑफ वेस्टिंग ऑफ द ऑप्शन। अब ये क्या है? सुनिए ध्यान से, सुनिएगा। जिस दिन मैंने अनाउंसमेंट किया कि मैं तुम्हें शेयर दूंगा, उस अनाउंसमेंट की डेट को बोला जाएगा ग्रांट डेट। क्या बोला जाएगा? ग्रांट डेट मतलब जल्दी बोलो, अनाउंसमेंट या डेट ऑफ अनाउंसमेंट, अंडरस्टूड और नॉट? अरे बोलो यार। और एक होती है वेस्टिंग डेट, एक होती है वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग डेट मतलब जिस दिन सचमुच तुम उस ऑफर में एलिजिबल हो जाओगे, तुम उस ऑफर में एलिजिबल हो जाओगे। कैसे? मैंने बोला अगर तुम मेरी कंपनी में 2 साल तक लगातार काम कर लिए तो 2 साल बाद मैं तुम्हें शेयर दूंगा। मैंने ये आज बोला, तो आज की डेट को हम क्या बोलेंगे? ग्रांट डेट, अनाउंसमेंट ग्रांट डेट। और मैंने ये बोला कि 2 साल तक अगर मेरी कंपनी में काम कर लिया, 2 साल तक अगर मेरी कंपनी में काम कर लिया तो 2 साल बाद मैं तुम्हें शेयर दे दूंगा, तुम एलिजिबल हो जाओगे। तो 2 साल की बाद की जो डेट आएगी उस डेट को क्या बोलेंगे? वेस्टिंग डेट, डेट ऑन विच एम्प्लॉई बिकम्स एलिजिबल, एम्प्लॉय बिकम्स एलिजिबल। तो सर क्या जिस दिन हमने एम्प्लॉय को ऑफर किया उस दिन क्या एम्प्लॉय एलिजिबल नहीं है क्या? नहीं। क्यों एलिजिबल क्यों नहीं है? 2 साल से पहले भाग गया तो उसका 2 साल काम करना जरूरी है। 2 साल का 1 साल, 3 साल, 4 साल, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि 2 साल एक एग्जाम्पल है। तो अगर उसने 2 साल कंप्लीट कर लिए, दैट डेट विल बी ट्रीटेड एज वेस्टिंग डेट। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं? उस डेट को क्या बोलेंगे? इस पर्टिकुलर डेट पर आई कैन से ऑन दिस डेट ईसॉप विल बी वेस्टेड टू एम्प्लॉय। वेस्टेड मतलब इस डेट पर ईसॉप एम्प्लॉय का हो गया, ईसॉप मिल गया। ईसॉप मिल गया मतलब अब वो एम्प्लॉय एलिजिबल हो चुका है, अब तो उसके ऊपर है। तुम तो एलिजिबल हो गए हो, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, पर तुम एलिजिबल हो चुके हो। सो ऑप्शन इज वेस्टेड। वेस्टेड मतलब तुम एलिजिबल हो गए, ये ऑफर तुम्हारा हो गया, अब तुम लो चाहे नहीं लो ये तो तुम्हारे ऊपर। समझ आया कि नहीं? बोलिए समझ में आया कि नहीं? क्लियर? तो दो कौन सी इंपॉर्टेंट डेट बताई मैंने आपको? ग्रांट डेट। और ग्रांट डेट में क्या होता है? सिर्फ ऑफर की अनाउंसमेंट होती है। क्या उस दिन तुम एलिजिबल हो क्या? नहीं। एलिजिबल कब हो गए? वेस्टिंग डेट पर। वेस्टिंग डेट पर एलिजिबल कैसे हो गए? तुमने वो कंडीशन फुलफिल कर ली। क्या जवाब दोगे तुम? तुमने कंडीशन फुलफिल कर दी। अंडरस्टूड और नॉट? बोलो बेटा। चलिए आइए नेक्स्ट। द टर्म ग्रांट इन रिलेशन टू ईसॉप मींस इश्यू ऑफ ऑप्शन to the employee under ESOP. The grant date will be the date on which option is issued. Option is issued या ब्रैकेट में लिख सकते हो announced. Announced. जिस दिन ऑफर दिया गया, जिस दिन ऑप्शन इशू किया गया, उस डेट को क्या बोलते हैं? ग्रांट। ग्रांट किया गया। अंडरस्टूड और नॉट? बोलो बेटा। क्लियर है कि नहीं? पक्का? ऑप्शन सेकेंड वर्ड है ऑप्शन। ऑप्शन मीन्स अ राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इन परसुएंस ऑफ ईसॉप टू परचेज और सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। ऑप्शन मतलब यहां पर क्या है? राइट। इट इज अ राइट नॉट द ऑब्लिगेशन। मतलब ऑप्शन दिया गया मतलब तुम्हारे ऊपर है, तुम ले लो, तुम्हें चाहिए तो लो, तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? नेक्स्ट वेस्टिंग पीरियड। पढ़िए वेस्टिंग पीरियड और मुझे बताइए क्या है। जिस दिन जिस दिन कंसीडर कंडीशन फुलफिल करेगा वो तो होगी वेस्टिंग डेट। ये लिखा हुआ है वर्ड वेस्टिंग पीरियड, सीधी बात है, वेस्टिंग डेट और ग्रांट डेट के बीच का पीरियड इज अ वेस्टिंग पीरियड। नहीं आसान में? अरे भाई ग्रांट डेट जिस दिन अनाउंस किया, वेस्टिंग डेट जिस दिन एलिजिबल हो गए, तो इन दोनों का जो भी गैप है दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग पीरियड। मतलब जितना भी टाइम पीरियड लग रहा है आपको फुलफिल करने में कंडीशन को, अंडरस्टूड और नॉट? वेस्टिंग पीरियड मींस द पीरियड व्हिच द वेस्टिंग ऑफ द ऑप्शन ग्रांटेड टू द एम्प्लॉई टेक्स प्लेस। मतलब जितना समय लग जाए, जितने पीरियड में वेस्टिंग हो जाए, जितने पीरियड में एम्प्लॉई एलिजिबल हो जाए, टेक्स प्लेस। द टाइम पीरियड टू फुलफिल द वेस्टिंग कंडीशन, इसको हाईलाइट कर देना, द टाइम पीरियड टू फुलफिल द वेस्टिंग कंडीशन। वेस्टिंग कंडीशन को फुलफिल करने का टाइम पीरियड। तो एक वर्ड था वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग डेट मतलब डेट ऑन विच कंडीशन इज फुलफिल्ड, एम्प्लॉई इज एलिजिबल। वेस्टिंग पीरियड मतलब ग्रांट डेट से वेस्टिंग डेट तक का पीरियड, पीरियड फॉर विच कंडीशन इज रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड। बोलो ना। और एक तीसरा है वेस्टिंग कंडीशन। व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टिंग कंडीशन? जो कंडीशन हमें फुलफिल करनी है, जिसके बेसिस पर मुझे ऑप्शन वेस्ट होगा। तो वर्ड ना कहीं कॉमन वर्ड क्या आ रहा है निकल के? वेस्ट, VEST वेस्ट। वो W वाला वेस्ट नहीं, VEST वाला वेस्ट। वेस्ट ऑप्शन वेस्ट होने के लिए कंडीशन फुलफिल करो, कंडीशन फुलफिल करोगे तो वेस्टिंग डेट आ जाएगी और वेस्टिंग पीरियड निकल जाएगा। समझ में आएगी नहीं? इसीलिए इन्होंने वर्ड वेस्टिंग को भी डिस्क्राइब किया है। वेस्टिंग means the process by which employee is given the right to apply the shares of the company against the option granted to him under ESOP. मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस से गुजर के एम्प्लॉय को निकलना पड़ेगा और उस प्रोसेस के बेसिस पर एम्प्लॉय एलिजिबल हो जाएगा। तो वेस्टिंग मतलब ग्रांट डेट पर जब उसको ऑफर दिया गया और वो पूरी कंडीशंस को फुलफिल कर दे और वो एलिजिबल बन जाए, तो इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है वेस्टिंग। अंडरस्टूड और नॉट? मतलब कहीं ना कहीं वो एलिजिबल होना। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मींस मेकिंग ऑफ एन एप्लीकेशन बाय द एम्प्लॉई टू ए कंपनी फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट ऑप्शन वेस्टेड टू हिम। हाँ चलो एक काम करते हैं, 2 साल हो गए, मैंने आपको दिया था ऑफर कि 2 साल आपको मेरी कंपनी में बने रहना है और 2 साल बाद आपको ऑप्शन वेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, 2 साल कंप्लीट हुए, कंपनी ने अपने एलिजिबल एम्प्लॉइज को मेल डाल दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सो एंड सो नाम जो भी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, द ऑप्शन इज वेस्टेड। यू रिमेंबर 2 साल पहले हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, याद है कि नहीं? आज वो एक दिन आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन, द ऑप्शन इज वेस्टेड टू यू, द ऑफर प्राइस विच वॉज इन्फॉर्म्ड टू यू, द एक्सरसाइज प्राइस इज 20 रुपीज। मतलब आपको 20 रुपए के हिसाब से पैसे जमा करने, मल्टीप्लाई बाय 1000 शेयर, जो हमने आपको बोले थे कि हम आपको 1000 शेयर देंगे। यू हैव टू पे अस, यू हैव टू पे अस विद इन सो एंड सो टाइम। अगर आपको लेना है तो इसका मेल पे रिप्लाई करिए, अगर आपको नहीं लेना है तो मेल पे रिप्लाई मत करिए। आप में से कुछ लोगों ने मेल पे रिप्लाई कर दिया, यस आई एम इन, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट टू परचेज दिस। तो आपने क्या किया? ये रिप्लाई करने को क्या बोलेंगे? एक्सरसाइज। रिप्लाई करने को क्या बोलेंगे? मतलब आप अप्लाई कर रहे हो कि हाँ मुझे चाहिए। सो एक्सरसाइज करना मतलब अप्लाई करना। अरे बोलो यार, पढ़ो। एक्सरसाइज मींस मेकिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, अप्लाई करना, एप्लीकेशन देना, बाय द एम्प्लॉय टू द कंपनी फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट ऑप्शन वेस्टेड टू हिम। मुझे ऑप्शन वेस्ट हो चुके हैं, ठीक है? अरे बोलो रे, क्लियर? एक्सरसाइज करना मतलब अप्लाई करना। अप्लाई कब करोगे? जब ऑप्शन वेस्ट होगा। हाँ ठीक है। एक्सरसाइज पीरियड मतलब मैंने बता दिया था आपको, एक्सरसाइज पीरियड अभी थोड़ी देर पहले। एक्सरसाइज पीरियड मतलब, हाँ, आपको मेल आया और आपको बोला गया कि हम आपको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, 1 महीने में आप सोच के बताइए। तो 1 महीने का टाइम को क्या बोलेंगे? एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड कब से शुरू होगा, ग्रांट डेट से कि वेस्टिंग डेट से? वेस्टिंग डेट से। तो दो दो पीरियड हो गए। कौन से दो पीरियड होते हैं? वेस्टिंग पीरियड और एक्सरसाइज पीरियड। पहले वेस्टिंग पीरियड आएगा, फिर वेस्टिंग पीरियड कहां से कहां तक? ग्रांट डेट से वेस्टिंग डेट तक। और एक्सरसाइज पीरियड कहां से शुरू होगा? वेस्टिंग डेट से एंड तक, जो भी क्या बोलते हैं, लास्ट डेट बोली गई है एक्सेप्टेंस की। ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस मैंने बता दिया था आपको। एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है? ऑफर प्राइस। क्या प्राइस बोली थी मैंने आपको? ऑफर प्राइस, जिस प्राइस पर मैंने आपको ऑफर दिया है। इट इज द प्राइस पेबल बाय द एम्प्लॉय फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंट्रिंसिक वैल्यू। पढ़ के मुझे बताओ क्या होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू पढ़ के बताओ क्या होता है। मार्केट प्राइस था 2500, एक्सरसाइज प्राइस है 1700। हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हुआ? हाँ, ये 800 रुपए एम्प्लॉय के लिए फायदा, तो ये कंपनी के लिए नुकसान। हमें इस 800 की अकाउंटिंग करनी है। इस चैप्टर में मुझे ये 800 की अकाउंटिंग करनी है। सर बस 800 की, 2500 की पूरी नहीं। 1700 तो मुझे बैंक से मिल रहा है ना, तो उसका तो सीधा सीधा क्लियर हिसाब है ना कि 1700 रुपए में तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। जो चीज मुझे नहीं मिल रही है वो चीज की मुझे अकाउंटिंग करनी है। अकाउंटिंग मुझे यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू की करनी है। आया समझ में कि नहीं? क्लियर? अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको 2 साल का टाइम पीरियड दिया है, वेस्टिंग पीरियड दिया है। मैंने आपको 2 साल का वेस्टिंग पीरियड दिया है। अगर 2 साल तक मेरी कंपनी में तुम काम करोगे तो 2 साल बाद ये शेयर मैं तुम्हें 1700 रुपए में दूंगा। आज इसकी वैल्यू कितनी है? आज 2500 है। सबसे पहले तो तुम बोलोगे सर आज 2500 है, 2 साल बाद हो सकता है 2500 ना हो सकता है 1700 से भी कम हो सकता है कि नहीं हो सकता। पर लुकिंग टू माय पास्ट एक्सपीरियंस, कंपनी का पुराना एक्सपीरियंस, कंपनी बहुत पुरानी है, 2 साल के टाइम पीरियड में हम जानते हैं कि हमारा प्राइस कम तो नहीं होगा, कम तो नहीं होगा। ठीक है, चलो मैंने तुम्हें बोला कि 2 साल बाद मैं तुम्हें ये शेयर 1700 रुपए में दूंगा। कंपनी का कितना नुकसान हुआ? कंपनी का कितना एक्सपेक्टेड नुकसान है? 800 रुपए एक शेयर के ऊपर। बोलो ना बेटा। मान लो ये ऑफर कंपनी ने अपने 100 एम्प्लॉयज को दिया, कितने एम्प्लॉयज, और हर एक एम्प्लॉय को कहा कि हम तुम्हें 10-10 हजार शेयर इशू करेंगे। ऑफर क्या है? द ऑफर इज अनाउंस्ड फॉर 100 एम्प्लॉइज, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय विल गेट 10,000 शेयर्स एट ₹1700, एट ₹1700। तो मुझे बताओ कंपनी का एक्सपेक्टेड नुकसान कितना होने वाला है? कंपनी का एक्सपेक्टेड नुकसान 100 एम्प्लॉइज इंटू 100 एम्प्लॉइज इंटू 10,000, कितना हुआ शेयर्स? शेयर्स, टोटल शेयर्स कितने हुए? 10 लाख शेयर्स एक्सपेक्टेड है कि इशू करेंगे, इंटू हर एक शेयर पर 800, 80 करोड़ का नुकसान एक्सपेक्टेड है। ये एक्सपेक्टेड 80 करोड़ का जो नुकसान है, ये 1 साल का है कि 2 साल का है? मैंने अभी एग्जाम्पल में आपको कितना टाइम पीरियड बोला था? तो ये 80 करोड़ का नुकसान कंपनी को आज ही, पहले ही दिन बुक कर देना चाहिए कि कंपनी को इसको 2 साल में डेफर एंड अमोटाइज करना चाहिए। सोच के बताओ क्या होना चाहिए? 2 साल में डेफर एंड अमोटाइज करना चाहिए। अरे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, अच्छा मैं बोल रहा हूं कि ये 80 करोड़ का नुकसान एक्सपेक्टेड है, फिक्स नहीं है। चलो इसको और सिंपल बोल देता हूं, ये 80 करोड़ का नुकसान मैक्सिमम है, इससे कम हो सकता है पर ज्यादा नहीं होगा। सोच के बताओ क्यों बोल रहा हूं ऐसा। 2 साल के अंदर 100 एम्प्लॉइज में से कितनी गारंटी है कि 100 के 100 ही लेंगे 100 के 100 ही लोग मुझसे ये ऑप्शन लेंगे? हो सकता है 100 में से कुछ लोग छोड़ के चले जाएं, और जो नहीं छोड़ के चले गए उसमें से भी कुछ लोग एक्सरसाइज ना करें। अरे यार, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये 80 करोड़ का मैक्सिमम एक्सपेक्टेड नुकसान है। कैन आई से दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज इन द नियर कमिंग फ्यूचर? हो सकता है 80 करोड़ से कम हो जाए। टेल मी ना बेटा, क्या ये चेंज हो सकता है कि नहीं? हाँ, अगर ये चेंज हुआ, दैट चेंज विल बी कॉल्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। क्या बोलेंगे उसको हम? चेंज इन अकाउंटिंग। पहले मेरी पूरी बात सुन लो, बाद में लिखना। पहले मेरी बात पूरी सुन लो। दिस चेंज इज नोन एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अब एक गुरु मंत्र याद रखना हमेशा के लिए, हमेशा मतलब हमेशा, अकाउंट्स का एक बेसिक गुरु मंत्र। जब भी अकाउंट्स में एस्टीमेट बदला जाता है, एस्टीमेट बदला जाता है, तो कभी भी पुराने रिकॉर्ड्स को आप एडजस्ट नहीं करते हो। पुराना जो आपने किया कर लिया, पुराना आपने अगर पिछले साल जो भी एस्टीमेट किया था, 80 करोड़ का एस्टीमेट किया था, तो आपने जो भी अकाउंटिंग 80 करोड़ के हिसाब से की होगी। इस बार आपका एस्टीमेट बदल गया, इस बार आपको लगता है नहीं यार 80 करोड़ तो नहीं होगा, 80 करोड़ तो नहीं होगा, इस बार मुझे लगता है 70 करोड़ होगा। कितना होगा? 70 करोड़ होगा, ठीक है ना? तो आप ये बोलोगे कि ये अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंजेस है, और आप कभी भी पुराने वाले बुक्स में जाके चेंज नहीं करोगे। इसको मैं आपको और सिंप्लीफाइड करके एलिब्रेट करके दे रहा हूं। आपका अंदाजा था कि मेरा 80 करोड़ का नुकसान होगा, और ये नुकसान कितने साल का है? कितने साल का है? तो इसको 2 साल में मुझे डेफर एंड अमोर्टाइज करना है। मान लीजिए मैंने इसको फर्स्ट ईयर में 40 करोड़ नुकसान बुक कर दिया। फर्स्ट ईयर में मैंने कितना नुकसान बुक किया? 40 करोड़ रुपीस का मैंने नुकसान बुक कर दिया फर्स्ट ईयर में। जैसे ही फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, फर्स्ट ईयर में कर दिया, आप सेकेंड ईयर में आते हैं। सेकेंड ईयर में मेरा एस्टीमेट बदल गया। क्या बदला? मैंने बोला ओहो, 100 एम्प्लॉइज को ऑफर दिया था, 10 तो चले भी गए, कितने बचे? 10 तो चले गए, कितने बचे? और 90 में से भी एक्सपेक्टेड है कि 10 लोग तो लेंगे ही नहीं, कितने बचे? निकालो 80 के हिसाब से, 64 करोड़। 60, और पिछले साल मैंने कितना एस्टिमेट किया था? दिस इज कॉल्ड चेंज इन, दिस इज कॉल्ड चेंज इन। 80 करोड़ से 64 करोड़ हो गया, तो ये क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। चेंज इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज हुआ है। तो मैंने बोला ओहो 64, तो 64 तो डिवाइड बाय 2 करते तो 32 होता है, तो इसका मतलब मुझे तो लास्ट ईयर 32 करोड़ बुक करना चाहिए था, मैंने कितना बुक कर लिया? बोलना बेटा। 40. मैंने 40 कर दिया। क्या मैं लास्ट ईयर के अकाउंट जाके चेंज करूं? नहीं। अकाउंटिंग एस्टीमेट में जब भी बदलाव होते हैं तो आप लास्ट ईयर के अकाउंट चेंज नहीं करते हो। इंस्टेड आप बोलते हो ठीक है कोई बात नहीं, अभी का टोटल नुकसान कितना है, पिछले साल तक कितना ऑलरेडी बुक कर चुका हूं, तो अभी कितना बुक करना चाहिए? 24 कर ले। इसको और तरीके से बताऊं, पिछले साल कितना ज्यादा बुक कर लिया, तो इस बार 8 कम बुक कर ले, तो देख ले ना वर्किंग, देख ले 64 डिवाइड बाय 2 कितना होता है। इसका मतलब मुझे इस बार 32 करना चाहिए, पर पिछले साल मैंने कितना ज्यादा बुक कर लिया? 8 कैसे बुक किया? 40 माइनस 32 करना चाहिए था, 8 ज्यादा कर दिया, तो इस बार 8 कम कर दे। मैंने क्या किया? मैंने अकाउंटिंग एस्टीमेट में बदलाव किया। तो मैंने अकाउंटिंग एस्टीमेट में बदलाव करके प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया। वर्ड क्या बोला मैंने? प्रोस्पेक्टिव। जब भी, अब मैं फाइनल गुरु मंत्र पे आ रहा हूं, जब भी अकाउंट्स में आपके एस्टीमेट्स बदलेंगे, जब भी अकाउंट्स में आपके एस्टीमेट्स बदलेंगे, तो एस्टीमेट बदलने से आपको ऐसा फील आएगा कि यार मुझे मेरा पिछले साल का प्रोविजन गलत हो गया। वो गलत नहीं है, वो बेस्ड ऑन ओल्ड एस्टीमेट था। तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के केस में आप कभी भी रिट्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग नहीं करोगे। आप पीछे वाले बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जाके वापस से ठीक नहीं करोगे। आप प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग, आप प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे। आप करंट ईयर में उसका इफेक्ट देंगे कि चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ, अभी क्या बनता है, अभी ओवरऑल इफेक्ट दे दो। समझ आया कि नहीं? बोलिए बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ क्या क्लियर? हाँ, तो मैं आपको तैयार कर रहा हूं आगे के जो भी हम अभी आपने डिस्कशन करने वाले हैं, मैं आपको तैयार कर रहा हूं इस तरीके से कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ईसॉप का, अब मैं कुछ समराइज कर देता हूं आपके सामने कुछ बातों को। हम जो चैप्टर ईसॉप का पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर सब्सक्राइब करने को ऑफर करती है कंसेशनल प्राइस पे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। और जितना भी उसमें कंपनी का नुकसान होता है, उस नुकसान को कंपनी को अकाउंट फॉर करना पड़ता है। उस नुकसान को जब कंपनी अकाउंट फॉर करती है तो उस नुकसान को कंपनी एक ही साल में अकाउंट फॉर नहीं कर देती, पूरे वेस्टिंग पीरियड में उसको डेफर एंड अमोर्टाइज किया जाता है। पूरे वेस्टिंग पीरियड में उसको डेफर एंड अमोर्टाइज किया जाता है। जब कंपनी उसको पूरे वेस्टिंग पीरियड में डेफर एंड अमोर्टाइज करती है तो कंपनी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट अप्लाई करती है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का मतलब यह होता है कि अगर किसी कारण से कंपनी ने लास्ट ईयर में पुराने एस्टीमेट के अकॉर्डिंग लॉस बुक कर लिया जो कि अभी ठीक नहीं है, तो न्यू एस्टीमेट के अकॉर्डिंग कंपनी इस बार नया तरीके से लॉस बुक करेगी, पर पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो कभी भी चेंज नहीं करेगी, वो एडजस्ट नहीं करेगी, कंपनी उसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देगी। समझ आई मेरी बात? बोलिए बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, कंपनी को लॉस बुक करना है। लॉस हमेशा कहां बुक होता है? P&L में। लॉस हमेशा कहां बुक होता है? P&L में। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? बोलिए बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? अंडरस्टूड गाइस? इंट्रिंसिक वैल्यू, इट इज द एक्सेस ऑफ मार्केट प्राइस अंडर ईसॉप ओवर द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द ऑप्शन। सर कहीं कहीं जगह ईसॉस क्यों लिखा हुआ है? एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान या फिर एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम, तो कहीं कहीं ईसॉप का ईसॉस लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सेकंड नेक्स्ट पे आते बनाते हैं फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, रुक जाइए, फेयर वैल्यू आपको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फेयर वैल्यू और जो लास्ट के जो दो पॉइंट्स है ये पेंडिंग है, ये अभी आपको करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड और नॉट? अच्छा, मैंने कहा 2 साल मेरी कंपनी में काम करो, मैं तुम्हें शेयर इशू करूंगा। क्या इशू करूंगा? 2 साल मेरी कंपनी में काम करो, मैं तुम्हें शेयर इशू करूंगा। मुझे बताना कौन सी चीज तुम्हें ज्यादा अच्छी लग रही है सुनकर, बताना मुझे, सब लोग सुनना। पहला ऑल्टरनेटिव, 2 साल मेरी कंपनी में जॉब करो लगातार, उसके आगे भी कर सकते हो, 2 साल बाद मैं तुम्हें अपनी कंपनी का शेयर दूंगा 1700 रुपए में। आज उसकी वैल्यू कितनी है? 2500। दूसरा ऑल्टरनेटिव, 2 साल मेरी कंपनी में काम करो, 2 साल बाद मेरी कंपनी का जो भी प्राइस होगा शेयर का, जो भी कंपनी का शेयर का प्राइस होगा, आज कितना है? हो सकता है 2500 से ऊपर हो सकता है 2500 से नीचे हो। 2 साल बाद कंपनी का जो भी शेयर प्राइस होगा, सपोज 2600, अपने माइंड में रखना ये बात, 2700, 2800 माइनस आज जो तुम्हें मैंने ऑफर किया 1700, जो भी डिफरेंस आएगा उतना कैश दे दूंगा, शेयर नहीं दूंगा, कैश दे दूंगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला ऑफर, 2 साल कंपनी में जॉब करो, 2 साल बाद शेयर ले जाओ। कितने शेयर? 10,000 शेयर। हर एक एम्प्लॉय को कितने शेयर मिलेंगे? 10,000 शेयर। कितने का? 1700 रुपए का। 1700 रुपए दो और शेयर ले जाओ। दूसरा ऑल्टरनेटिव, 2 साल तक कंपनी में काम करो, 2 साल बाद मेरे पास आओ और जो भी शेयर प्राइस होगा उसको 1700 से डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस उल्टा मेरे से कैश ले जाओ, शेयर में नहीं दूंगा। कौन सा ऑफर ज्यादा अच्छा लग रहा है? एम्प्लॉय के लिए ऑब्वियसली फर्स्ट वाला। सेकंड क्यों? सेकंड क्यों? मेंबर बनने से अच्छा कैश है सर, कैश तो मिल ही जाएगा कुछ भी हो जाए। हाँ, दोनों। वेरी गुड पॉइंट, पता है क्या है? दोनों अपनी अपनी जगह सही है, हर एक इंसान की मेंटेलिटी डिपेंड करती है कि उसको कौन सा अच्छा लगता है। क्यों? पहला वाला शेयर का ऑप्शन उस व्यक्ति के लिए अच्छा है जो कहीं ना कहीं ये सोच के बैठा है कि यार शेयर मिलेंगे तो मैं उस शेयर को पकड़ के बैठूंगा, 4-5 साल तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके उसकी और वैल्यू बढ़ाऊंगा और आगे चल के बेचूंगा। वो बोलेगा कैश तो एक बार में मिलके खत्म हो जाएगा, कैश तो एक ही बार मिलके खत्म हो जाएगा, बात खत्म, उसके उसमें एप्रिसिएशन करने के चांसेस नहीं है ना। और कैश वाला व्यक्ति ये बोलेगा भाई कैश मिल रहा है ना, कल को शेयर पता नहीं मार्केट में बेच पाऊं नहीं बेच पाऊं, वेट करूंगा कि बढ़ेगा बढ़ेगा, उल्टा गिर गया तो कैश तो मिल जाएगा कम से कम। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही। अंडरस्टूड और नॉट? थ्योरी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ईसॉप कितने टाइप के होते हैं या शेयर बेस्ड पेमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो शेयर बेस्ड पेमेंट आपके 3 टाइप के होते हैं, मैंने आपको 2 टाइप बताए, तीसरा टाइप हाइब्रिड होता है, दोनों का मिक्स 3 टाइप के होते हैं। चलिए पहला टाइप पढ़ते हैं, पहला वाला टाइप पढ़ते हैं। बताओ चिल्ला के क्या लिखा है? इक्विटी सेटल्ड, मतलब सेटलमेंट किसमें होगा? शेयर्स में, इक्विटी में, मतलब जो मैंने पहले आपको ऑफर दिया था कि मैं तो तुम्हें क्या दूंगा, शेयर दूंगा। इक्विटी सेटल्ड मतलब मैं तो सेटलमेंट इक्विटी में करूंगा। भाई बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? अच्छा सेकंड पढ़ो चिल्ला के, जल्दी बोलो। कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, मतलब सेटलमेंट किसमें होगा पर वो कैश की वैल्यू किस बेसिस पे निकाली जाएगी? शेयर की वैल्यू के, इसीलिए वो बन गया शेयर बेस्ड पेमेंट। हाँ, और उसको ब्रैकेट में क्या लिखा है? एसएआर का फुल फॉर्म होता है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। स्टॉक में जितना भी एप्रिसिएशन होगा, मतलब आज मैंने तुम्हें कितना ऑफर किया है? 1700 रुपए के ऊपर जितना जाएगा वो तुम्हारा। 1700 रुपए के ऊपर जितनी वैल्यू ऊपर गई वो तुम्हारी कैश में, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। तीसरा पढ़ो, विथ कैश ऑल्टरनेटिव, मतलब क्या हुआ? हाइब्रिड दे दिया। तुम्हारे ऊपर 2 साल बाद तुम बोलोगे शेयर चाहिए शेयर ले लेना, कैश चाहिए कैश ले लेना। अब इसमें कुछ लोग क्या बोल सकते हैं? शेयर चाहिए। कुछ लोग क्या बोल सकते हैं? कैश चाहिए। 2 साल बाद अगर मार्केट में दे शेयर तो कैश इज इक्वल टू 0, नहीं दूंगा, पर तुमसे उल्टा पैसा लूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये ईसॉप राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होती। ईसॉप एक राइट है, राइट तुम्हारे पास है मेरे पास नहीं है। तुम खरीदोगे ही नहीं तो तुम एक सेकंड मुझे पहले जवाब कंप्लीट करने दो। 2 साल में ये डिसाइड हुआ था कि मैं तुम्हें कंपनी का शेयर दूंगा 1700 रुपए में, आज कितना है? 2500 का। 2 साल के अंदर अंदर शेयर कितने का चला गया? अब ऐसा तो नहीं कि 2500 से 1500 दूसरे साल के एंड में एक ही दिन में हो गया होगा, ऐसा तो नहीं होगा। कहीं ना कहीं इस पूरे 2 साल में कहीं ना कहीं धीरे धीरे गिर रहा होगा। जैसे ही गिरने वाला होगा कंपनी का स्टाफ कंपनी से भागने की तरफ होगा, तो ये चीज कंपनी को भी रियलाइज हो रही होगी कि अरे गड़बड़ हो रहा है। तो कंपनी इसमें 2 चीजें कर सकती है, या तो उसको रिवाइज कर देगी, बोलेगी रुक जा 1700 नहीं 500 में ले लेना, तो कंपनी मॉडिफाई करेगी इस ऑप्शन को, या तो कंपनी इस ऑप्शन को ही कैंसिल कर देगी, बोलेगी देंगे ही नहीं, छोड़ दो। हाँ, एक्सरसाइज पीरियड में डिसाइड होती है। आई बस सर में तुम्हारा जवाब तो मैं मिल गया कि सर पहले वाले में इक्विटी सेटल्ड में 1700 में बोला था, आज वो शेयर 1500 का हो गया, सर क्या करेंगे? तू मत कर, पर उससे पहले ही कंपनी ही तेरे को नया ऑफर दे देगी। क्या ऑफर दे देगी? 1700 क्या वे, तू छोड़, तू 500 में ले जा। आया सामने की नहीं? क्लियर? 3 टाइप के होते हैं, जल्दी बताइए कौन कौन से होते हैं? इक्विटी सेटल्ड, पूरा बोलो ना यार नालायकों। इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। दूसरा कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। तीसरा विथ कैश ऑल्टरनेटिव, ये एक हाइब्रिड है, एम्प्लॉय को ऑफर दिया जाएगा कि दोनों में से कोई एक चाहिए तो ले लो। अंडरस्टूड और नॉट? सर कैश सेटल्ड में जो भी कैश मिलेगा उसको 1700 में एड ऑन करके हम वापस शेयर भी तो खरीद सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ ऑनलाइन बाय स्टूडेंट्स डाउट। ये डाउट्स ऑनलाइन में आ सकता है, पता है क्यों? फेस टू फेस में हिम्मत नहीं होती, गुदर नहीं होता पूछने का, क्योंकि आसपास पास लोग हंस लेंगे। ऐसा नहीं कि फैकल्टी कुछ बोलेगा, आसपास बोलेगा क्या कैसा आदमी है रे तू। ऑनलाइन में मेरी शक्ल किसी को पता ही नहीं है, मैं तो एंजल प्रिया हूं, मैं तो एंजल प्रिया हूं भाई, मैं तो कुछ भी पूछ सकता हूं। ये पूछा है डाउट इसने कि कैश सेटल में जो भी कैश मिलेगा उसको 1700 में ऐड करके हम वापस शेयर भी खरीद सकते हैं। द पॉइंट कि हाँ तू बाहर से खरीद सकता है ना रे, तेरे को कैश कंपनी ने दे दिया और तू उसमें ऐड ऑन कर 1700 रुपए, तू बाहर से वो शेयर खरीद ले, पर तू कंपनी से नहीं खरीद सकता, तू बाहर से खरीदा तेरी मर्जी है ना। तेरा अगला डाउट आएगा सर वो जो कैश मिला सर वो कैश लेके सर मैं काका गुटका भी खा सकता हूँ। हाँ तो खा सकता है ना, मेरे से क्यों पूछ रहा है? तो जो कर रहा है सर वो कैश में उड़ा भी सकता हूं। हाँ उड़ा ना जाके यार, हाँ मतलब तेरे को जो करना है तू खा, ठीक है? क्लियर? इनको बताओ कोई काका गुटका क्या होता है, बता रहे बता तेरे को माणिक चंद है और कौन सा आरएमडी, शक्ल देख रहे, शक्ल उसकी शक्ल पे आरएमडी लिखा हुआ है। हाँ चलिए, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, एंटिटी रिसीव्स गुड्स सर्विसेज एज अ कंसीडरेशन फॉर इट्स ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग शेयर्स और शेयर ऑप्शन। मतलब एम्प्लॉय मुझे सर्विस देगा, मैं उसको इक्विटी शेयर दूंगा। एंटिटी कंपनी को क्या मिलेगा? यहां पर कंपनी को क्या मिलेगा, जल्दी बोलो। कंपनी को सुनो ना, अरे इधर 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 सुनो ना, तुम मत पढ़ो ना, मेरा सुन लो। सिर्फ कंपनी को यहां पर एम्प्लॉय से क्या मिलेगा? घंटा गुड्स मिलेगा। गुड्स लिखा है तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, गलत लिखा हो मैंने है? जो लिखा है क्या वो पढ़ के बस बोलने का है मतलब है? नहीं 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 सर गुड्स एंड सर्विस, एम्प्लॉय गुड्स कहां से देगा बे? नहीं, सर्विस बोलो, क्या बोलना है? एम्प्लॉय से कंपनी को क्या मिलेगा? सर्विस, और सर्विस के बदले कंपनी एम्प्लॉय को क्या देगी? शेयर। तो सर यहां गुड्स क्यों लिखा है? गुड्स इसलिए लिखा है, हमारे चैप्टर में इंटर में मैंने आपको बोला ना ये टॉपिक सीए फाइनल में भी है, मैं आपको क्या बोला सीए फाइनल में भी टॉपिक है, इंटर में हमें समझाया गया है कि आपको सिर्फ एम्प्लॉय वाले क्वेश्चंस करने हैं। फाइनल में वो लोग बोलते हैं कि एम्प्लॉय के अलावा बाकी लोग भी तो हो सकते हैं। मान लो कंपनी ने मशीन खरीदा, मान लो कंपनी ने गुड्स खरीदा और सप्लायर को इक्विटी शेयर दे दिया, तो वो भी तो हुआ शेयर बेस्ड पेमेंट, हुआ कि नहीं? बोलो बेटा। तो एम्प्लॉय एंटिटी को क्या क्या मिलेगा? एंटिटी को या तो गुड्स मिलेंगे, पर गुड्स किससे मिलेंगे? एम्प्लॉय से। किससे मिलेंगे? सप्लायर से। सर्विस किससे मिलेगा? सिर्फ एम्प्लॉय से। सप्लायर, सप्लायर ऑफ सर्विस भी हो सकता है। अंडरस्टूड और नॉट? चलो दूसरा पढ़ो, दूसरा पढ़ो। एंटिटी एक्वायर्स गुड्स, हाँ एंटिटी ने गुड्स खरीदा या फिर सर्विस खरीदा एम्प्लॉय का। इनकरिंग अ लायबिलिटी, देखो तुम गुड्स खरीदोगे, एंट्री क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, लायबिलिटी इन करोगे ना। अरे बोलना, एम्प्लॉय से सर्विस लिया, एंट्री क्या करोगे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या एम्प्लॉय सर्विस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। तुम लोगों को सैलरी की भाषा समझ में आती है बस। हाँ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल, पेबल क्या है? लायबिलिटी। तो हमने गुड्स लिए, हमने सर्विस लिया, लायबिलिटी इनकर किया, और उस लायबिलिटी को सेटल करने के लिए क्या हुआ? टू ट्रांसफर द कैश और अदर असेट टू सप्लायर फॉर द अमाउंट दैट इज बेस्ड ऑन एंटिटी और ग्रुप एंटिटीज शेयर। ग्रुप क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर आपको दिखाया था, होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉयज को दे सकती है। मैंने आज, तेरा नाम क्या? करण, मैंने करण से आज गुड्स खरीदे और मैंने करण को बोला तेरे को मैं शेयर बेस्ड पेमेंट दूंगा, अपने होल्डिंग कंपनी का शेयर बेस्ड पेमेंट दूंगा, अनाउंस कर दिया, या अपनी सब्सिडरी कंपनी का शेयर दूंगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो बेटा, क्लियर? तीसरा पढ़ो, एंटिटी और द काउंटर पार्टी। एक सेकेंड, एंटिटी मतलब कंपनी जो ऑफर कर रही है, काउंटर पार्टी मतलब सामने वाली पार्टी। सामने वाली पार्टी कौन हो सकती है? एम्प्लॉय या अदर देन एम्प्लॉय, ट्रेडर, सर्विस, सप्लायर। हाँ, एंटिटी और द काउंटर पार्टी। क्या लिखा है? चॉइस, हैज द चॉइस टू सेटल द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और इन कैश। उनके पास चॉइस है, या तो मैं कैश में दूंगा, या तो मैंने तुम्हें चॉइस दे दी, या तो तुम कैश ले लो या तो तुम शेयर लो। चॉइस दोनों में से किसी एक के पास है। अंडरस्टूड और नॉट? हाँ हाँ, कंपनी पहले से ही, पहले दिन ही बता देगी कि चॉइस मेरे पास है या चॉइस तुम्हारे पास है। अंडरस्टूड और नॉट? अब जो मैं आपको, जब चैप्टर शुरू हुआ मैंने आपको बोला कि ये चैप्टर आपका काम का है, आपको सीए फाइनल में काम आएगा। रीजन, सीए फाइनल में, ओ सॉरी, सीए इंटर में ये दोनों चीजें आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ थ्योरी था। थ्योरी आपके बुक पे लिखा हुआ है, पर इसका प्रैक्टिकल साफ साफ बोला गया कि हम सीए फाइनल में पूछेंगे, इसका प्रैक्टिकल हम आपसे नहीं पूछेंगे। थ्योरी, यही थ्योरी बोला गया कि भाई आ सकता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन कि डिस्क्राइब या एक्सप्लेन द काइंड ऑफ द टाइप्स ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट्स। So there are 3 type of share based payment जो आपको explain करने पड़ेंगे। आया समझ में कि नहीं? पर इनकी accounting आपके CA इंटर में applicable नहीं है। आपके CA इंटर में किसकी accounting applicable है? First में, और first में भी 2 लोग हैं, employee और service provider, मतलब supplier। तो उसमें supplier भी हटा दो, सिर्फ यहाँ पर कौन cover है? Employee। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पूरा chapter किसके लिए पढ़ना है? जो employee को offer दिया जा रहा है सिर्फ उसके लिए पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं, कंपनी अपने पास भी चॉइस रख सकती है कि हम आपसे सर्विस ले रहे हैं और 2 साल का सर्विस ले रहे हैं, 2 साल बाद हम या तो आपको शेयर देंगे या तो आपको कैश देंगे, हम आपको बता देंगे उस टाइम पे। हाँ, ऑब्वियसली हमने अपने पास चॉइस रखी है, हम आपको उस टाइम पे आपको बता देंगे 2 साल के बाद। हम आपको कैश भी दे सकते हैं, हम आपको शेयर भी दे सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर? पक्का? सो टाइप्स ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट्स थ्योरी में इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। मार्क कर लो, बुक में साइड में लिख लो, इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी क्वेश्चन। अब एक और बात, हमारे सिलेबस में क्या एप्लीकेबल है? सिर्फ इक्विटी सेटल्ड। क्या एप्लीकेबल है? इक्विटी सेटल्ड भी 2 टाइप के होते हैं। इक्विटी सेटल्ड ऑप्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स। आप पढ़ेंगे और फिर मुझे जवाब देंगे। पढ़िए, यस, ऑप्शनल एंड कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद मतलब मिलता है शेयर, और परचेज प्लान में पहले शेयर देते थे, बाद में कंडीशन सेटिस्फाई। और कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए आप ट्रांसफर नहीं कर सकते पीएसपीपी पे, और उसमें ऐसे कोई एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस नहीं आता है क्योंकि वो फ्यूचर डेट पे लगता है, और उसमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है वेस्टिंग पीरियड के, मतलब जितना भी पीरियड अलॉटेड है। सिंपल सा फंडा है। सबसे मेन जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है, ईसॉप का मतलब शेयर फ्यूचर में मिलेगा अगर कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो। और जो ईएसपीपी है, मान लेते हैं कि तुमने जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी वो कर ली, मतलब तुम्हारे परफॉर्मेंस के बेसिस पर आज हम तुम्हें शेयर दे रहे हैं, बट याद रखना ये जो शेयर दे रहे हैं ये तुम किसी और को सेल नहीं कर सकते हो मिनिमम 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। समझ आया कि नहीं? जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं, सेकंड वाले में कोई कंडीशन ही नहीं है। शेयर दे दिए ना मैंने आपको, बेच नहीं सकते। हाँ, कंपनी एडिशनली ये कंडीशन डाल भी सकती है कि यार 1 साल तक शेयर नहीं छोड़ के ले जा सकते हो, पर वो फिर अपने आप क्या बन जाएगा, वो तो फिर ईसॉप बन जाएगा ना, जहां कंडीशन आ गई पहले से ही। तो कहने का मतलब मैं इसको ये कह सकता हूं कि इसमें प्री वेस्टिंग कंडीशन अवेलेबल होती है और इसमें पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शंस अवेलेबल होते हैं। मुझे दोनों का मतलब समझा सकते हो? दोनों का मतलब समझा सकते हो कि नहीं? पहले वाले में क्या है, शेयर्स देने से पहले, वेस्ट होने से पहले आपको कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, तो जाके आपको शेयर ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा, वेस्टेड। क्या हो जाएगा? वेस्टेड। और दूसरे वाले में, दूसरे वाले में क्या, कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है शेयर मिलने के बाद। तो दूसरे वाले केस में मैं ये बोल सकता हूं, सेकंड वाले केस में बोल सकता हूं कि सेकंड वाले केस में पहले ही दिन द ऑप्शन इज वेस्टेड। ऑप्शन वेस्ट कब होता है? हाँ? जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अब सेकंड वाले में तो पहले कोई कंडीशन है ही नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन तुम्हें वेस्ट हो गया। समझा कि नहीं? तो फिर से बताइए, ईसॉप में क्या होता है? ईसॉप में क्या होता है? ऑफर दिया जाएगा, वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद ऑप्शन इज वेस्टेड, ऑप्शन वेस्ट होगा फ्यूचर में। जबकि ईएसपीपी में ऑप्शन प्रेजेंट में ही वेस्ट हो गया, आज ही वेस्ट हो गया। अंडरस्टूड और नॉट? हाँ, तो पहले वाले में क्या लिख सकते हो, ऑप्शन विल बी वेस्टेड इन फ्यूचर। सेकेंड वाले में क्या लिखोगे, ऑप्शन इज इमीडिएटली वेस्टेड एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट, ग्रांट डेट। लिखो लिखो, पहले वाले में क्या लिखोगे, ऑप्शन विल बी वेस्टेड इन फ्यूचर, ऑप्शन विल बी वेस्टेड इन फ्यूचर। क्लियर? फ्यूचर डेट पर आपको मिलेगा बेस्ड ऑन द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो ही ऑप्शन वेस्ट होगा। सेकेंड वाला, टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द कंपनी इमीडिएटली, जैसे ही वर्ड लिखा इमीडिएटली मतलब ऑप्शन आपको इमीडिएटली वेस्ट हो गया, नॉट ऑन द फ्यूचर डेट। तो आप इसमें लिखोगे That means आपने लिख लिया वैसे, ऑप्शन वेस्टेड इमीडिएटली। और क्या लिखा है, दीज ऑप्शन में कैरी पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शंस। क्या होगा, पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शंस, जैसे कि बाद में सेल नहीं कर सकते हो शेयर, ठीक है ना, किसी को ट्रांसफर नहीं करना वगैरह वगैरह। मेनली वो शेयर लॉक इन पीरियड दिया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? सर दोनों की अकाउंटिंग या अलग अलग होगी कि सेम होगी? दोनों की अकाउंटिंग सेम। दोनों की अकाउंटिंग सेम है, दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग नहीं है। बस यहां से अपने को नहीं पढ़ना है फिलहाल। अपन अब एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं, एग्जाम्पल के थ्रू पूरा पॉइंट समझेंगे। कॉपी में लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1। क्या हुआ? पेजेस किसके लिए? कितना पेजेस छोड़ना है? मतलब फर्स्ट चैप्टर 2 चैप्टर हुए हैं, शेड्यूल 1 और बायबैक। कितने पेजेस छोड़ने हैं? तू सच में वो जो पेजेस छोड़ेगा तो तू बाद में कर लेगा उसको सच में? अच्छा, इतना टाइम है तेरे पास? प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नहीं, हम शुरू में बहुत जोश में होते हैं, बोलने में हम करते कुछ भी नहीं है। पेजेस छुट्टी होंगे तो बाद में वो काम आ जाएंगे, ऐसा। आजा भाई, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 A company announced ESOP for 100 employees on 1st April 2022. On 1st April 2022, each employee will get 150 number of shares at exercise price of 60 rupees. Vesting condition is employee must continue with company for 3 years. Market price of share on grant date. Market price of share on grant date is 110. शेयर कितने का है और हम ऑफर कितने में कर रहे हैं? तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हुआ? 50. ये इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी के लिए क्या हुआ? लॉस। और ये कंपनी के लिए लॉस कितने साल का हुआ? हाँ, 3 साल का। क्लियर? Calculate employee compensation expense for 3 years. Employee compensation expense for 3 years after 3 years, नहीं 1 सेकेंड काटो, आफ्टर 3 इयर्स को ये अभी एग्जाम्पल ही चल रहा है, ठीक है। आगे लिखिए पोजीशन ऑन 31 मार्च 2023, मुझे बताओ ये कौन कितना साल हुआ कंप्लीट, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ। पोजीशन ऑन 31 मार्च 2023, फाइव एम्प्लॉइज लेफ्ट जॉब, मतलब 5 लोग तो छोड़ के भी चले गए, ठीक है। 5 एम्प्लॉइज लेफ्ट द जॉब, इट इज एक्सपेक्टेड दैट 9 एम्प्लॉइज विल लीव the job in next 2 years, in next 2 years। इसका मतलब क्या हुआ, और भी छोड़ के जाएंगे। तो एक बात बताओ, टोटल कितने एम्प्लॉइज है? ध्यान से सुनना, ये पॉइंट स्किप कर दिया तो तुम बाद में मेरे पीछे पढ़ते रहोगे कि सर मुझे ना समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। इसलिए पहले से मैं बोल रहा हूं कि ध्यान से सुनो इस पॉइंट को, इधर उधर अगर मान लो अभी भी ध्यान है तो फिर अभी आ जाओ ध्यान से। कितने एम्प्लॉइज हैं? 100। कितने लोग चले गए? अब जो लोग जा चुके हैं, क्या मैं उन लोगों को भी कंसिडर करके प्रोविजन बनाऊं? क्या लॉस को बुक करूंगा? क्या कायदे से जो लोग जा चुके हैं तो मेरा वो लॉस है ही नहीं। हाँ, तो इसका मतलब 95 लोगों के हिसाब से मुझे लॉस का प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए। एक और बात, दूसरी बात, पर अगर मैं जानता हूं कि 95 में से भी अगले 2 साल में, क्योंकि अभी तो 2 साल और बचे हैं ना, 9 लोग और जाएंगे, तो 95 माइनस 9, 95 माइनस 9, अरे मैं पूछ रहा हूं तुमसे 95 माइनस 9 क्या होता है, तो तुम बोल रहे हो नहीं कर सकते। से लोगों यार, मैं बोल रहा हूं 95 माइनस 9 क्या होता है, 86। और वो कैलकुलेटर मांग रहा है पीछे वाला, भाई इसके लिए मुझे कैलकुलेटर चाहिए रहेगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर दे दूं तेरे को। हाँ? 95 माइनस 9 कितना होता है? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैंने अभी क्वेश्चन पूछा थोड़ी कि तुम पहले से आंसर दे रहे हो। सवाल पूछ रहा हूं कि फर्स्ट ईयर के एंड में मेरे पास ओरिजिनली 95 एम्प्लॉइज बट रखे हुए हैं, पर मेरा अंदाजा है, अंदाजा बोल रहा हूं, एक्सपेक्टेड है कि 9 लोग और जाएंगे, तो मेरा अंदाजा है कि ओवरऑल 86 एम्प्लॉइज को ही ये ईसॉप जाने वाला है। तो कंपनी को क्या करना चाहिए? कंपनी को लॉस बुक करना चाहिए 95 के अकॉर्डिंग या फिर 86 के अकॉर्डिंग? सभी बच्चों ने एक स्वर में बोला 95। कोई है क्या फिर भी कोई और? मेरा सवाल यह है कि कंपनी को प्रोविजन किस बेसिस पे बनाना चाहिए लॉस का, 95 के अकॉर्डिंग या 86 के अकॉर्डिंग? 86 पे भी बना सकते हैं। मेरे से एस पढ़ा है, फिर कंपनी 86 हुए तो मतलब कंपनी लॉस को कम बुक कर रही है। एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं है। एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं है, लॉस बुक कम होगा, ठीक है। प्रूडेंस, क्या ये प्रूडेंस का घंटा हर जगह बजाना जरूरी है? तुमने बोला कि मेरे से एएस पढ़ा है, तो अब यही सवाल पूछ रहा हूं, फिर से पूछ रहा हूं और सबसे पूछ रहा हूं। एएस तो तुमने किसी और से भी पढ़ा होगा, तो पॉइंट इज, क्या ये प्रूडेंस का घंटा हर जगह बजाना जरूरी होता है क्या? हाँ कि नहीं? जहां जरूरी है हर जगह प्रूडेंस का घंटा बजाने की जरूरत नहीं होती। नहीं, एक मिनट, मैंने अभी अपने वर्ड्स कंप्लीट नहीं किए। प्रूडेंस का घंटा बजाओ, पर ऐसा नहीं कि प्रूडेंस के नाम पर लॉस ही लॉस पेले जा रहे हो तुम लोग। है ना, पीएनएल में लॉस ही लॉस पहले जा रहे, लॉस ए लॉस ए लॉस 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 ए लॉस। इसका मतलब फिर तो ये हुआ कंपनी को अगर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स खराब करने हैं, अरे इनकम टैक्स में दिखाने लॉस दिखाना है जानबूझ के, हैं लॉस दिखा दे तू, एम्प्लॉय 5 निकल गए पर हम तो दिखाएंगे नहीं निकले, 100 एम्प्लॉय 100 के हिसाब से बनाओ। ऐसे तो कंपनी 100 के बजाय 200 एम्प्लॉय, हमने 200 अनाउंस किया था, अरे कौन देखने आ रहा है, ए लॉस बुक कर, प्रूडेंस। मैं आपकी बात को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, मैंने क्या बोला, मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया, मेरी पूरी बातों को ध्यान से सुन लो। तो पहली बात, लॉस 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 का वो जो घंटा है यहाँ पहले जा रहे हो लॉस के नाम से, बस P&L में लॉस लॉस लॉस, प्रूडेंस प्रूडेंस। द पॉइंट इज प्रूडेंस वहीं पर अप्लाई करो जहां पर उसकी जरूरत हो, प्रूडेंस वहीं अप्लाई करो जहां उसकी जरूरत हो, ठीक है। जहां जरूरत नहीं है वहां अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि नाउ द आई एम कमिंग टू सेकंड एग्जांपल, मे बी आपने ये एग्जांपल मेरे से पहले कभी सुना होगा, अगर आपने मेरी पहले कभी क्लासेस ली हैं, यूट्यूब पे भी देखा हो तो। और जब भी प्रूडेंस का नाम आता है ना, प्रूडेंस को जो पहले पेलते हैं ना लोग, प्रूडेंस के नाम पे अपना हिसाब किताब पेलते हैं, मैं यही वाला एग्जाम्पल देता हूं हमेशा। तुम सब लोग कॉमर्स बैकग्राउंड क्यों है कि कोई साइंस का है? चलो कोई साइंस का होगा तो भी फाउंडेशन फाउंडेशन बीकॉम बीकॉम कहीं के भी हो गए। डेप्रिसिएशन नाम सुना है कभी? सुना है डेप्रिसिएशन? सुना है। डेप्रिसिएशन में एसएलएम सुना है? क्या होता है एसएलएम? फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का? फिर से पूरा ध्यान से, आराम से, अच्छे से फिर से बोलो। ओरिजिनल कॉस्ट, बुक वैल्यू नहीं होता, ओरिजिनल कॉस्ट होता है ना, माइनस स्क्रैप वैल्यू नंबर ऑफ डिवाइड बाय लाइफ, एक्सपेक्टेड लाइफ। ये क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू क्या है? प्रूडेंस कहां गया तुम्हारा? इधर पेलो ना, प्रूडेंस को पेलो इधर। फिर से चलो एग्जाम्पल के फॉर्म में करते हैं। तुमने कितने की मशीन खरीदी? लाख रुपए की। आज तुमने लाख रुपए की मशीन खरीदी, लाइफ है 10 साल। मैं बोल रहा हूं स्क्रैप वैल्यू है इसका 5,000 रुपए, तो ये 5,000 का स्क्रैप वैल्यू कब मिलेगा तुम्हें? 10 साल बाद मिलेगा कि देना पड़ेगा? मिलेगा। प्रूडेंस कहता है कि जो आए उसको मत देखो, जो जाए उसको देखो। तुम तो आने वाले को देख रहे हो, तुमने अपने उस टीचर के सामने तो नहीं पेला प्रूडेंस, हैं? जब ये तुम्हें 11th वाले टीचर ने स्कूल में सिखाया था, याद करो उस टीचर को या सर को, सर अगर सर होंगे या टीचर होंगी जो भी है, मैडम को, तब तो नहीं पूछा मैडम प्रूडेंस कहाँ गया। द पॉइंट इज ये प्रूडेंस के जस्ट अपोजिट है, प्रूडेंस के जस्ट अपोजिट है, बट हमें तो फॉर्मूला रटवाया गया, हमने तो आज तक चू चपड़ नहीं की कि ये स्क्रैप वैल्यू माइनस क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां जरूरत है, यहां स्क्रैप वैल्यू मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि भाड़ में जाए प्रूडेंस। मेरा एस्टिमेशन इतना स्ट्रांग है कि मैं कह सकता हूं कि 10 साल बाद जब मैं ये मशीन बेचूंगा मिनिमम 5,000 तो ऐसे ही मिल जाएंगे, ऐसे ही। तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि प्रूडेंस हर जगह रिक्वायर नहीं होता। जहां एंटिटी का एस्टिमेशन बहुत ही फिक्स है, एस्टिमेशन बहुत स्ट्रांग है, वहां प्रूडेंस नहीं चलता। पॉइंट नंबर 1, प्रूडेंस वहां भी नहीं चलता, सॉरी प्रूडेंस वहां ज्यादातर वहां चलता है जहां पर आपका कैश का आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है। मुझे एक बात बताओ, इस ईसॉप में आपका कोई कैश का आउटफ्लो होने वाला है क्या? हाँ, क्या होने वाला है? यहां पर शेयर देने वाले हैं, कैश का कोई आउटफ्लो है क्या? कोई कैश जाने वाला है क्या जिसका मैं प्रोविजन क्रिएट करूं? प्रूडेंस नहीं ना, आई बात समझ में कि नहीं। चलो मैं तीसरी लास्ट बात पे आता हूं, अब मैं मुद्दे पे आता हूं, वापस से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 95 लूंगा कि 86 लूंगा? कुछ लोग बोल रहे हैं 95, कुछ लोग 86, अब बहुत ज्यादा लोग 86 पे आ गए, ठीक है ना। वो पहले जा रहे थे ना जो लोग, वो वापस से 86 पे आ रहे हैं, पर स्टिल इफ सम ऑफ देम आर स्टिल एट 95 आई हैव द फाइनल वर्ड्स टू से because I have some more things to talk about. थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला कि जब हम ईसॉप का चैप्टर करते हैं तो हमेशा चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं, हम हमेशा एस्टिमेट करके चलते हैं और ये एस्टिमेट हमारे बदलते रहेंगे धीरे धीरे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यहां पर एंटिटी का एस्टिमेशन है कि यार 5 एम्प्लॉइज तो डेफिनेटली जा चुके हैं, कितने बचे आज? 95. अब ऐसा तो नहीं है ना कि यार अगले 2 सालों में पता नहीं उनके पास कौन सी माता चढ़ जाएगी और बोलेंगे हम नहीं जाएंगे। कोई ना कोई तो जाएगा ना यार। तो कंपनी का कहना है बुरी से बुरी हालत में 9 लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, बुरी से बुरी हालत में 9 लोग तो जाएंगे जाएंगे। हाँ, तो कितने लोग बचेंगे? मैं आज एक काम करता हूं, मैं 86 के अकॉर्डिंग लॉस को क्रिएट कर रहा हूं। मे बी आई एम राइट, मे बी आई एम रॉन्ग। अगले साल में नया एस्टीमेट कर देंगे, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट हो जाएगा। क्या तकलीफ है? समझ में आ रहा है कि नहीं? पर अगर मैं एस्टीमेट ही ना करूं और मैं बोलूं 95, तो यार आपको नहीं लगता मैं अपने P&L में फालतू के लॉस को दिखा रहा हूं जो रिक्वायर ही नहीं है? मैं कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में बेवजह लॉस की वजनदारी बढ़ा रहा हूं, अपने नेट प्रॉफिट को गिरा रहा हूं। कंपनी को कंसर्न अपने नेट प्रॉफिट से भी है भाई, इतना लॉस दिखा के इनकम टैक्स में तो बेनिफिट ले लूंगा। वैसे पहली बात तो इनकम टैक्स में ये डिसअलाउड होता है, मैं आपको इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा बाद में। इतना लॉस दिखा के मैं क्या ही उखाड़ लूंगा यार। साला लॉस के चक्कर में प्रॉफिट गिर जाएगा, प्रॉफिट गिरने के चक्कर में अर्निंग पर शेयर गिर जाएगा, अर्निंग पर शेयर गिरेगा, मेरी शेयर की वैल्यू की बैंड बच जाएगी। कौन चाहता है? छोड़ो भाई, पीछे बहुत सारे रीजंस है। तो मुझे बताओ प्रूडेंस क्या हर बार लगता है? प्रूडेंस लगाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि ऐसा नहीं कि भाई कल को मैंने ज्यादा ही बुक कर लिया, ज्यादा बुक करने के चक्कर में उधर मेरे शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर गिर गया, उधर कौन संभालेगा उन लोगों को? सो प्रूडेंस वेयर, एक सेकेंड, प्रूडेंस वेयर एवर रिक्वायर्ड वी हैव टू अप्लाई, बट एवरी टाइम प्रूडेंस का घंटा नहीं चलता। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था 80 करोड़ का। 80 करोड़ का एग्जाम्पल क्या दिया था? पहले साल कितना बुक किया था? 40 करोड़। अगले साल कितना हो रहा था? 64 में से 40 गया, मैंने सिर्फ 24 करोड़ बुक किया। तो दिस जब मुझे पहले से ही पता है कि अगले साल जाएंगे ही जाएंगे तो मैं क्यों करूं? मतलब मैं चाहते हुए भी अगर मैं गलती कर रहा हूं तो बात अलग है। मैं चाहते हुए भी बोल रहा हूं नहीं 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 95 तो आज है, अगले साल जाएंगे, पर नहीं मेरे को तो ना, आज तो मेरे को तो यही लग रहा है। तो फिर तो वो पॉइंट वही हो गया। अब इसमें भी गड़बड़ है ना, इसमें भी गड़बड़ है। आपने यूनिफॉर्मिटी के नाम, यूनिफॉर्मिटी कभी सुना है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर साल यूनिफॉर्म होने चाहिए? कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल सुना है कि नहीं? कंसिस्टेंसी नाम सुना है कि नहीं? मैं उसी का वर्ड चेंज कर रहा हूं, यूनिफॉर्मिटी। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा यूनिफॉर्म होने चाहिए, प्रॉपर। पहले साल तुमने 95 लगा के तुमने बोला हाँ ठीक है ना सर, क्या है, अगले साल चेंज कर लेंगे, ठीक है ना, तीसरे साल चेंज कर लेंगे जब रियल में सिचुएशन सामने आ जाएगी। तो मैंने लगता तुम पहले साल बहुत ही ज्यादा लॉस दिखा रही हो, सेकंड ईयर में बहुत ही ज्यादा लॉस दिखा रही हो, थर्ड ईयर में धड़ाम से लॉस को गिरा के तुम प्रॉफिट दिखा रही हो। कंसिस्टेंसी का है। शेयर होल्डर को क्या जवाब दोगे जब शेयर होल्डर की मीटिंग होती है? क्या जवाब दोगे कि ये प्रॉफिट में इतना उतार चढ़ाव क्यों है? पॉइंट इसकी ये भी हमें सोच समझ के रखना पड़ता है ताकि ये फालतू के लॉसेस ना दिखे हमारे बुक। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कहना सिंपल सी पॉइंट है। बात 9 एम्प्लॉइज की नहीं है, बात है नुकसान की। इतने नुकसान से क्यों मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को खराब करूं? खराब क्यों करना बोल रहा हूं? क्योंकि मैं अपना नेट प्रॉफिट गिराऊंगा, उससे क्या क्या इफेक्ट आगे चल के पड़ेगा, तो वो भी एक पॉइंट है ना। प्रूडेंस फॉलो करने के चक्कर में मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्यों खराब करूं? लास्ट ईयर में फिर से लॉस बुक कर लेंगे एक्स्ट्रा। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है ना। मैं चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। मैं बार बार अकाउंटिंग एस्टीमेट बदलता रहूंगा, ठीक है? तो मुझे बताइए यहां पर क्या करना चाहिए? हाँ, हम हमेशा एस्टीमेट करेंगे कि ओके हमारा यहाँ पर एस्टीमेट है कि 80। और ये 9 एम्प्लॉइज कोई ऐसी किताबी नहीं है। कंपनी अपने एचआर डिपार्टमेंट से पूछ रही है। एचआर डिपार्टमेंट सुना है कभी नाम? भाई एचआर डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं, आप बताइए एस्टीमेट क्या है, आने वाले साल में कितने लोग जाएंगे, ताकि हम अपने हिसाब से उसका डेटा ध्यान में रखते हुए प्रोविजंस क्रिएट करें। समझ आएगी नहीं? नेक्स्ट लिखिए, पोजीशन ऑन 31st March 2024, 6 employees left, expected to leave in next year, फाइव मोर. फिर मेरा एस्टिमेट चेंज हो गया. देखो ध्यान से, यहां पर टोटल कितने थे? 100. शुरू से करते हैं, शुरू से टोटल कितने थे पहले साल? ओरिजिनल कितने गए, कितने बचे? दूसरे साल ओरिजिनल कितने गए, कितने बचे? 89. और लगता है कि तीसरे साल कितने जाएंगे, कितने बचे? तो इसका मतलब सेकंड ईयर में मैं लॉस कितने के हिसाब से बुक करूंगा? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट. पिछले साल कितने के हिसाब से बुक किया था, इस बार कितने के हिसाब से बुक करूंगा? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट. नहीं आएगा समझ में? हाँ, पक्का? लास्ट पोजीशन ऑन 31st March 2025, 3 employees, 4 employees left. कितने फाइनली चले गए? ओवरऑल अब कितने बचे? 85. फाइनली 85. ठीक है, अगेन चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, पर ये तो लास्ट ईयर है. अब मेरा बिल्कुल ओरिजिनल हो गया कि हाँ 85 के हिसाब से बच गए. बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? पक्का? एक लास्ट लाइन लिख लीजिए. आउट ऑफ 85 eligible employees, employees exercised the option. For rest, it becomes lapsed. इसका मतलब समझाओ. क्या मतलब है इसका? नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ एलिजिबल कितने हुए? 85. 80 नहीं, एलिजिबल तो 85 हुए हैं. कैसे कह सकते हो? अरे वेस्टिंग डेट कब खत्म हुआ होगा? 31 मार्च 2025 को. 4 एम्प्लॉय जा चुके हैं, तो कितने बचे? 85 लोग एलिजिबल हो गए. अब उनको राइट है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं. तो 85 में से कितने लोगों ने एक्सरसाइज किया, एप्लीकेशन डाल दी? 80 ने डाल दी. 5 लोगों ने, उनका लैप्स हो गया. वो भी हम सीखेंगे कि क्या करना पड़ेगा. अब समझ आया यहां तक पॉइंट? पहले पूरा बताओ मुझे, क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन इंटरप्रेट कर पा रहे हो आप? समझ में आया कि नहीं? और हर साल जब जब हम लॉस को बुक करेंगे तो एस्टिमेशन लगा के बुक करेंगे. क्या लगा के बुक करेंगे? एस्टिमेशन. चलिए, क्लियर? तुमसे कोई भी आगे चल के प्रूडेंस का वो ज्ञान तुम्हें वो देना, तो उसको ये एग्जांपल दे सकते हो कि भाई तू मुझे ये बता, इसके स्क्रैप वैल्यू में प्रूडेंस कहाँ गया, है ना? आप सचमुच में मतलब सोचो ध्यान से. आपको रियलाइज होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आपको आपके बचपन में सिखाया गया था. बचपन मतलब 11वीं बचपन, क्या दिमाग चलता है अपना. बचपन सिखाया गया, बोला कि स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे. जी सर करेंगे. गलती से वहां पर लड़कों के लिए तो ऐसा कि गलती से वहां पर आपकी टीचर निकली, थोड़ी बहुत अच्छी लगती होगी. हाँ, जो बोलेगी वही करूंगा, बस बात ही खत्म. आंखें बंद करके हाँ हाँ मैडम आप ही सही हो, बस. पूरी दुनिया ऐसी की तैसी, आप सही हो. आपके स्कूल्स में अकाउंट्स का टीचर मेल था कि फीमेल था? क्योंकि आमतौर पर अकाउंट्स के मेल होते हैं, आमतौर पर मेल होते हैं. मेरे उसमें भी मेल ही थे भाई. अच्छा चलो अब सुनिए सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। क्या बात कर रही हो, आज हमारी क्लास बहुत लेट स्टार्ट हुई ना, 15 मिनट। मुझे सिर्फ एक टाइमलाइन बनाने दो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, एक टाइमलाइन बनाने दो फिर मैं ब्रेक दूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी। सुनो ध्यान से, एक टाइमलाइन बना रहा हूं, आप पहले बनाएंगे नहीं, पहले देख लेंगे फिर बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ग्रांट डेट क्या है, मेहनत करो नलायकों, जाके देखो, घूरो घूरो मत मुझे, ऐसी शक्लें एक तो ना तुम लोगों की शक्लें ऐसी हो जाती है, मतलब कभी कभार की ऐसा, मतलब ऐसा लगता है कि छी क्या यार, मतलब मैं क्यों पढ़ा रहा हूं इनको। 1 अप्रैल 2022 ये क्या है, ग्रांट डेट। ग्रांट डेट से लेकर वेस्टिंग डेट कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2025। इस पीरियड को क्या कहते हैं, वीपी। कितना है, 3 इयर्स वेस्टिंग पीरियड। बेटा क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ग्रांट डेट पर तुम्हारे पास कितने एम्प्लॉइज थे, 100। क्लियर है कि नहीं? ग्रांट डेट पर इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, 50। वो तो हमेशा 50 ही रहेगी इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है बेटा, इंट्रिंसिक वैल्यू 50 रहेगी। ठीक है ना भाई, ऑफर कितने में किया था, ऑफर 60 और मार्केट प्राइस उस टाइम पे कितनी थी, 50 का नुकसान एक सीधा। समझ में आ रही कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर एंड कब हुआ, 31 मार्च। इस दिन की पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं आपको, कितने लोग जॉब छोड़ चुके हैं, 5 लोग छोड़ चुके हैं। तो यहां पर तुम्हारे पास कितने एम्प्लॉइज बचे हैं, हाँ, उसमें से भी एक्सपेक्टेड टू लीव कितने हैं, हाँ 9। तो कितने बचे, 86। क्लियर हुआ कि नहीं? यहां अगेन 31 मार्च 2024, बताओ एम्प्लॉइज कितने बचे लेफ्ट, इधर लेफ्ट कितना हुआ, हाँ 6। तो इधर एम्प्लॉइज कितने बचे, 89। और एक्सपेक्टेड टू लीव कितना है, एक्सपेक्टेड टू लीव 5। तो कितने बचे, 84। और यहां लेफ्ट कितना है, 4। तो यहां पर मैं बोलूंगा एलिजिबल एम्प्लॉइज कितने बचे, 85। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं, डोंट वरी, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, बस आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए। मैं ब्रेक दूंगा मतलब यार पूरी दिमाग की दही हो जाएगी, पूरा कॉन्सेप्ट बीच में वो नहीं करना चाह रहा, इसलिए प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट। तो मुझे बताइए, फर्स्ट ईयर एंडिंग हुआ तो कंपनी कितने एस्टीमेट के अकॉर्डिंग लॉस बुक करेगी, कंपनी एस्टीमेट कितना लगाएगी, 86। तो फर्स्ट ईयर जैसे ही एंड हुआ, फर्स्ट ईयर जैसे ही एंड हुआ 2023, कंपनी कितने एस्टीमेट के अकॉर्डिंग लॉस बुक करेगी, 86. अच्छा जितना भी लॉस आएगा, ये लॉस 1 साल का है कि 3 साल का है, हाँ बात की थी ना हमने ओरिजिनली कि डेफर एंड अमोर्टाइज करते हैं हमेशा, हाँ। तो मुझे बताइए कंपनी 86 एम्प्लॉइज के हिसाब से लॉस बुक करेगी। हर एक एम्प्लॉय को कंपनी ने कितने ऑफर दिया था, क्वेश्चन देखिए जल्दी ध्यान से। हर एक एम्प्लॉय को 150 शेयर ऑफर किए गए थे। टोटल कितने शेयर हो गए, 12,000। ये 12,900 एक्यूरेट वैल्यू है कि एस्टिमेशन है, ये मेरा एस्टिमेशन है कि इतने शेयर इशू करने पड़ सकते हैं। और हर एक शेयर के ऊपर हमें कितना नुकसान हो रहा है, 50 रुपए का नुकसान हो रहा है हर एक शेयर के ऊपर। बोलो बेटा 6 लाख, और ये 6,45,000 कितने साल का नुकसान है, डिवाइड बाय 3, कितने साल का नुकसान है। और आज तक कितने साल हो चुके हैं, 1 साल। तो मेरा कितना बुक करना पड़ेगा मुझे नुकसान, हाँ 2,15,000 मुझे बुक करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। क्या बोलेंगे इसको, एक तरीके से एम्प्लॉई को हम कॉम्पनसेट कर रहे हैं। किस चीज का कॉम्पनसेशन दे रहे हैं उसको? तू हमारी कंपनी में काम कर रहा है, इसका हम तेरे को कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। शेयर तो तेरे को सस्ते में मिल रहा है, बाकी हम कॉम्पनसेट कर रहे हैं क्योंकि तू हमारी कंपनी में काम कर रहा है। अंडरस्टूड और नॉट? आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं आपको ब्रेक दूंगा। एक सवाल पूछूंगा, बहुत ही बेसिक सवाल है, ये एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस P&L के किस हेड में जाएगा? पहले दिन हमने शेड्यूल 3 पढ़ा था, P&L पढ़ा था, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होता है। नलायकों, किस हेड में जाएगा ये? याद आ रहे हैं हेड? याद है आपको P&L के? चलो देखते हैं टोटल एक्सपेंस के कितने हेड होते हैं। कितने हेड होते हैं? 7 हेड होते हैं। पहला हेड क्या होता है? पहला हेड होता है रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में। याद है कुछ? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये हाल है तुम लोगों का चौथी क्लास में, पांचवी क्लास में ये हाल है तुम लोगों का। देखो नलायकों, पहला हेड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जिसके अंदर ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल होता है। दूसरा हेड क्या होता है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तीसरा हेड क्या होता है? चेंजेस इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री या तो फिनिश गुड्स, या तो स्टॉक इन ट्रेड, या तो WIP। चौथा हेड क्या होता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, उसमें जाएगा। पांचवा हेड क्या होता है? फाइनेंस कॉस्ट। छठा हेड क्या होता है? डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। सातवां हेड क्या होता है? अदर कॉस्ट। इतनी जल्दी मत भूलो यार, मतलब है अपने को ऐसे गाय गुजरे नहीं बनना है। समझ आया कि नहीं? बोलो बोलो बेटा, क्लियर? अच्छा मुझे बताओ 86 क्या है? 86 क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, लिख सकता हूं एक्सपेक्टेड टू अवेल ऑप्शन, बोलो ना। हाँ, मल्टीप्लाई। 150 क्या है? नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय। शेयर को मैं ऑप्शंस बोल रहा हूं, नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय। चलो मल्टीप्लाई। 50 क्या है? 50 का नाम क्या है? नाम, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय। हाँ, मजा नहीं आ रहा। वेस्टिंग पीरियड, नंबर ऑफ इयर्स मत बोलो, वेस्टिंग पीरियड। मल्टीप्लाई। 1 क्या है? करंट ईयर जो हो गया, तो बोलेंगे ईयर्स लैप्स्ड या एक्सपायर्ड। बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? ये आपका फॉर्मूला बन गया। ईसॉप में ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर मिल जाएगा, एंट्री करो, बस यही आपका चैप्टर है। क्लियर हुआ कि नहीं? अभी हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया, जितना भी किया है। आपका ब्रेक है, सुन लो, ब्रेक है, ब्रेक रहेगा, बैठ के नोट करना है, नोट करो, पहले होके आओ, बाद में आके नोट करना है। मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं, आराम से बैठ के नोट करो। हाँ, जो करना है कर लो। ब्रेक है कुल मिला के 3 मिनट का, जो भी चाहिए, ठीक है। चालू हो रहा है वापस. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. देख ले तेरी मर्जी, सो जाऊंगा सर. ऑल राइट, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. वापस आइए. यहां पर हमने सॉल्व किया ये एग्जाम्पल. पूरा सॉल्व नहीं हुआ. आइए मैं कंटिन्यू कर रहा हूं. कंटिन्यू करूं? हाँ. क्या हो गया तेरे को? हमेशा क्या कुछ ना कुछ चलता रहता है क्या? पीछे जाओ ना. चलो मैंने बढ़ा दिया टेम्परेचर बस. दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन, अमाउंट ऑफ लॉस विच वी नीड टू बुक. बोलो बेटा, लॉस कहां पे जाएगा? P&L में. तो मुझे एंट्री चाहिए इसकी. इस 2,15,000 की एंट्री क्या होगी? हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं साथ में. अगर जर्नल एंट्रीज लिख रहे हो तो उसी पेज पे मत लिखना, अलग से एक पेज पूरा छोड़ के, अभी वर्किंग जहां चल रही है वो पूरा छोड़ के अलग से पेज पर लिखिए जर्नल एंट्रीज। 31 मार्च 23। हाँ, क्या जर्नल एंट्री हो रही है? अच्छा मुझे बताओ, जब तुम एम्प्लॉय को सैलरी देते हो और पे नहीं करते हो, बाद में पे करोगे तो क्या एंट्री करते हो? पूरी एंट्री पूछ रहा हूं ना दादा, डायरेक्ट P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी करते हो क्या यार? वही पूछ रहा हूं ना भाई, तुम मुद्दे पे आओ ना यार। क्या एंट्री करते हो? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी टू सैलरी पेबल। वैसे यहां पर भी ऐसे कोई अकाउंट कर मुझे क्रिएट करना पड़ेगा ना, या मैं डायरेक्ट खटाखट P&L में डालू? P&L में भी तो कोई नाम से जाएगा ना, तो नाम क्या था? एंट्री होगी एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, जो कि हमारा नुकसान हो गया, डेबिट। कितना? 2 लाख 2। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे ESO आउटस्टैंडिंग, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ESO आउटस्टैंडिंग। कुछ याद आ रहा? मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये वर्ड पढ़ने के बाद कुछ याद आना चाहिए। पहली दो क्लासेस शेड्यूल 3, कुछ भी याद नहीं आ रहा? कुछ भी याद नहीं आ रहा? ये रिजर्व एंड सरप्लस पढ़ा था तो अपन ने शेड्यूल 3 में रिजर्व एंड सरप्लस पढ़ा था कि नहीं? अब याद आया? याद आया कि नहीं? चलो अब लॉजिक पे आते हैं इसके। सर जी ये कहां जाएगा? एक सेकेंड, सर जी ये कहां ये आपका क्या है? ये एक आपका एक तरीके से लॉस है, या फिर ये आपका जाएगा P&L में। कहां जाएगा? सर जी ये क्या है? ये एक तरीके से आप इसको कहां दिखाओगे? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। ठीक है। सर 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 एक बात बताओ सर, अपन इसको प्रोविजन के अंदर क्यों नहीं दिखा रहे हैं? मैं हर एक चीज का आंसर दूंगा, पहले मेरे को सुन लो, क्योंकि जो डाउट बच्चों को आते रहते हैं पहले से मुझे पता है। एक्स्ट्रा डाउट होंगे तो अपन उसको भी डील करेंगे। सर ये क्रेडिट हुआ है तो ये एक तरीके से प्रोविजन हुआ ना, आप इसको प्रोविजन के अंदर दिखाओ ना, आप उसको रिजर्व एंड सरप्लस में क्यों दिखा रहे हो? देख बेटा बुद्धे की बात सुन, प्रोविजन कहां दिखता है? प्रोविजन दिखता है लायबिलिटी के अंदर हमेशा। बोल हाँ या ना, बोलना बेटा, प्रोविजन किसके अंदर दिखता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी कोई भी ऐसी चीज जहां मुझे कैश में सेटलमेंट करना पड़े, जहां मेरी कैश सेटलमेंट करने की ऑब्लिगेशन हो, जहां मेरी कैश सेटल करने की ऑब्लिगेशन हो, वो मेरी क्या होती है? लायबिलिटी। मुझे एक बार बताओ, ये मैं शेयर में सेटल करूंगा कि कैश में सेटल करूंगा? ये मैं शेयर में सेटल करूंगा कि कैश में सेटल करूंगा? तो क्या मेरी ये लायबिलिटी होनी चाहिए क्या? नहीं। हाँ, पर मैं शेयर दूंगा आगे चल के, तो ये कहीं ना कहीं ये मेरा इक्विटी का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये शेयर हो जाएगा। बोलो बेटा, आगे चल के ये क्या हो जाएगा? जैसे जैसे तुम शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट को क्या लायबिलिटी में दिखाते हो कि शेयर होल्डर फंड में दिखाते हो? जैसे तुम मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट को किसमें दिखाते हो? शेयर होल्डर फंड में। हाँ, क्योंकि तुम्हारी वो लायबिलिटी नहीं है, तुम्हें आगे चल के शेयर देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे ही मुझे बताओ, ये मेरा लॉस है, पर क्या लॉस ये मुझे कैश के फॉर्म में बियर करना पड़ेगा या मुझे आगे चल के शेयर देना पड़ेगा? मुझे सेटलमेंट करना पड़ेगा। किस फॉर्म में? शेयर के फॉर्म में कि कैश के फॉर्म में? शेयर्स के फॉर्म में। तो आज मैं इसको क्या मानूं? शेयर होल्डर फंड मानूं कि लायबिलिटी मानूं? शेयर होल्डर फंड। अगर यही मुझे कैश के फॉर्म में सेटल करना होता तो, अगर मुझे यही चीज कैश के फॉर्म में सेटल करनी होती तो लाइबिलिटी बनाता, प्रोविजन बनाता, मतलब वो जो हमारे सिलेबस में नहीं है पर सीए फाइनल में है, एसएआर स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। घूर के देखो मत मुझे, ध्यान से हाँ या ना बोलो। थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कैश सेटल्ड ऑप्शन, तो इसका मतलब कैश सेटल्ड ऑप्शन क्या होता होगा, लाइबिलिटी, क्योंकि वहां तुम्हें कैश पे करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहां मुझे क्या करना है, यहां मुझे शेयर के फॉर्म में सेटलमेंट करना है, यहां मुझे कैश पे ही नहीं करना है। जब मुझे कैश नहीं पे करना है तो दिस इज नॉट अ लाइबिलिटी। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर हुआ कि नहीं? इक्विटी शेयर कैपिटल में बदल जाएगा। पूरा क्वेश्चन होने दो, सब समझ में आ जाएगा। आप आगे का डाउट पूछ रहे हो इसलिए मैं आपको यहीं पर रोक रहा हूं। पूरा क्वेश्चन होने दो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहां देखेगा बेटा जाके? रिजर्व्स एंड, और मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज नॉट अ लायबिलिटी। ये लायबिलिटी नहीं है। अगर एंट्री लिख रहे हो तो एंट्री इसी तरीके से लिखना, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैं आऊंगा उस पर, चलो ठीक है मैं बता ही देता हूं क्योंकि उस पर टाइम बहुत ज्यादा लगता है। मैं आपको बता देता हूं वैसे भी क्या होता है। बेसिकली वो जो थर्ड ऑप्शन होता है, वो जो सिलेबस का पार्ट नहीं है, हाइब्रिड वाला कि इक्विटी सेटल्ड और कैश सेटल्ड, उसमें एंटिटी अपने एस्टिमेट के अकॉर्डिंग पूरे एक्सपेंस का कुछ पार्ट इक्विटी में डालती है और कुछ पार्ट लायबिलिटी में डालती है। पर वो कैसे डालती है वो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मतलब नहीं है अभी। अच्छा, इसी टाइम पे सेकंड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। ₹2,50,000 मैंने जो ऊपर लॉस बुक किया था उसको P&L में डाल दिया। बेटा ईसो आउटस्टैंडिंग का लॉजिक क्लियर है? ईसो आउटस्टैंडिंग का लॉजिक क्लियर है कि नहीं? क्या ये लायबिलिटी होती है? लायबिलिटी क्यों नहीं होती? क्योंकि कैश पे नहीं करना है। तो ये हम रिजर्व एंड सरप्लस में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आज ये शेयर नहीं है पर फ्यूचर में जाके ये अपने आप शेयर में। अच्छा एक इसको और लिंक करके बताऊं, थोड़ा सा और लॉजिकली समझाऊं? टाइम निकाल बात करें अपन, कर सकते हैं एक्स्ट्रा, घुस सकते हैं कि नहीं अपन लॉजिक में? बोनस की एंट्री क्या होती है? बोनस इशू की एंट्री कितना लायक हो? कल एक क्वेश्चन करवाया था बायबैक का, उसके बाद एक बोनस हो रहा था, सोचने में 2 मिनट लगा लेते हो। बोनस इशू की क्या एंट्री होती है? रिजर्व्स एंड सरप्लस डेबिट होते हैं या सीआरआर डेबिट होता है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल होता है कि नहीं? हाँ? तो बोनस का लॉजिक क्या होता है कि जब तक तुमने शेयर नहीं दिया तो वो पैसा तुम्हारे रिजर्व एंड सरप्लस में रखा हुआ है। जैसे ही शेयर इशू कर लिया तो रिजर्व एंड सरप्लस हटा के तुम्हारा वो शेयर कैपिटल हो जाता है। तो ये भी तो वही है, ये कहां रखा हुआ है? रिजर्व एंड सरप्लस में। जब तक तुम शेयर इशू नहीं कर रहे हो, जैसे ही कर लोगे तो वो क्या हो जाएगा शेयर। तो मैं अभी से ही तुम्हारा वाला डाउट मैं अभी से ही पूछ रहा हूं, बताओ जब ये शेयर में कन्वर्ट होगा तो एंट्री क्या होगी? इसको डेबिट कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। सिंपल, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। बोलो यार, ठीक है? चलिए आइए, ये 2 एंट्रीज क्लियर हो गई आपको। चलिए फर्स्ट ईयर की वर्किंग क्लियर है आपको बेटे? ओ बेटे, क्लियर है कि नहीं? सेकेंड ईयर की वर्किंग पे आ जाइए। मुझे 900% यकीन है, 100% छोड़ो 99% यकीन है सेकेंड ईयर की वर्किंग जब मैं तुम लोगों से सॉल्व करवाऊंगा तुम एक मिस्टेक करने वाले हो। देखता हूं वो मिस्टेक होता है कि नहीं और कितने लोग करते हैं। 31 मार्च 24 को मुझे बताओ, तुम जब लॉस का प्रोविजन बनाओगे, मतलब मैं वर्ड प्रोविजन बोल रहा हूं पर दिल पे मत लेना कि सर प्रोविजन तो लायबिलिटी होता है, ठीक है ना? मैं बोल रहा हूं सिर्फ लॉस बुक करेंगे तो कितने एम्प्लॉइज को एस्टिमेट करके बुक करेंगे? हाँ, वेरी गुड, ये सही दिया जवाब। 84 को एस्टिमेट करके बुक करेंगे, वेरी गुड। कितना शेयर हर एक एम्प्लॉय को दे रहे हैं? वेरी गुड। और हर एक एम्प्लॉय के ऊपर कितना नुकसान है हर शेयर के ऊपर? 50, वेरी गुड। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? यहीं पे गलती कर ली, मैंने बोला गलती होगी, अभी तो पहली गलती हुई, अभी दूसरी गलती भी आएगी। डिवाइड बाय टू की डिवाइड बाय थ्री, कोई एक गलत है कोई एक सही है। थ्री 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 थ्री, वो पीछे वाला वो क्वेश्चन मार्क। सर मैं देखता जाता हूं सबसे मेजोरिटी का है, वहां जाऊंगा। हाँ तू बोल, टू थ्री, ए लड़कियां, थ्री थ्री टू, टू वाले पहले मुझे जवाब दे, और वो बीच का ना टू ना थ्री, ढाई टू। चलो तीन लोगों ने बोला टू, क्यों, रीजन क्यों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को जवाब देना चाहेंगे तो बता दीजिए कितने, टू की थ्री? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? पॉइंट है, रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड अब 2 साल बचा है, पॉइंट है। फॉर्मूले में लिखा है वेस्टिंग पीरियड, मैंने टोटल नहीं लिखा है, मैंने रिमेनिंग नहीं लिखा है। पॉइंट है सर, बस मन किया थ्री, है ना, मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे 3 को आता है तो मैंने 3 बोल दिया सर। आई लाइक इट, है ना। हाँ बोलो लॉजिक। वेरी गुड, सही जवाब, बहुत बढ़िया। 3 सुनिए बेटा, 2 वालों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैंने आपको बोला ना प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो सुनो ना, छोड़ दो 2 3 हटाओ, मुझे बताओ ये 84 एम्प्लॉइज है, कैलकुलेटर का उपयोग करना है, 84 एम्प्लॉइज है, हाँ 150 नंबर्स है और 50 इंट्रेंस। कुछ मिनट अगर डिवाइड नहीं करता तो वैल्यू क्या आती है? हाँ 6 लाख। और पहले वाले साल में कितनी आ रही थी डिवाइड करने के बिना? डिवाइड करने के बिना पहले साल कितनी आ रही थी? हाँ? उस टाइम पे हम 6,45,000 को क्या बोल रहे थे? कितने साल में डेफर एमोटाइज करेंगे? बोल रहे थे ना 3 साल में डेफर एमोटाइज करेंगे। पर जैसे ही मैं सेकंड ईयर में आया मैंने बोला नहीं 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 645 सही नहीं है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अब मैं क्या बोल रहा हूं? 645 इज नॉट द प्रॉपर फिगर, द फिगर शुड बी 630। मतलब जो 645 मुझे 3 ईयर्स में अमोटाइज करना था, अब वही 3 ईयर्स में मुझे 630 अमोटाइज करना चाहिए। सुनिएगा मेरे पास, पहले कंप्लीट होने दीजिएगा। वही 3 ईयर्स में मुझे 630 को अमोटाइज करना चाहिए। मैंने गलती से पिछले साल ज्यादा एम्प्लॉइज के बेसिस पर खर्चा बुक कर लिया। आप देख लीजिए पिछले साल कितने एम्प्लॉइज थे और इस बार कितने एम्प्लॉइज हैं, और जितने भी एम्प्लॉइज हैं इनकी ओवरऑल कंडीशन कितनी है? अरे इनको ओवरऑल कितने साल कंपनी में बिताने हैं? 3 साल ना, इनको ओवरऑल कितना बिताना है? तो मुझे ओवरऑल 3 साल में कितना एक्सपेंस बुक करना चाहिए? 630। मैं नहीं बोल रहा हूं कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। ओवरऑल मुझे 630 बुक करना चाहिए 3 ईयर्स में, जिसमें से कितने साल हो चुके हैं, कितने साल ऑलरेडी हो चुके हैं, सेकेंड ईयर मिलाकर कितने साल हो चुके हैं। तो कितना खर्चा अभी तक बुक हो जाना चाहिए? 4 लाख। इतना खर्चा अभी तक बुक हो जाना चाहिए। ऑलरेडी पिछले साल कितना बुक कर चुका हूं, तो वो माइनस कर दूं, बिकॉज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस बार कितना बुक करूंगा? मैं इस बार थोड़ा सा कम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पिछली बार ज्यादा कर लिया था 2 एम्प्लॉइज के हिसाब से। बोलो बेटा। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं तुम्हारी बात मानूं, जो लोग बोल रहे थे कि सर 2 ईयर्स लेंगे, मतलब तुम लोग बोल रहे हो कि सर ये 215 तो खर्चा है ही है, 630 को डिवाइडेड बाय 2 कर दो, और अगले साल जब मैं तीसरे साल की वर्किंग करूंगा तो तुम बोलोगे 630 को जो भी वो फिगर आएगा तुम बोलोगे डिवाइड बाय 1 कर दो। मतलब इतना तो खर्चा ही नहीं है जितना तुम बुक करवा रहे हो। ध्यान से सोचो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। पहले साल 2 लाख का खर्चा बुक करवा रहे हो, सेकंड ईयर में 630 डिवाइड बाय 2 कितना हो रहा है? लगभग 3-15, पहले साल 2-15, दूसरे साल 3-15, 2-3 5 लाख समथिंग, तीसरे साल जो भी खर्चा आएगा मान लो 6 लाख, तो 6 और 5 11 लाख, इतना तो खर्चा ही नहीं है। समझ में आ रही बात की नहीं? मैं इसको लॉजिकली ये बताना चाह रहा हूं कि जब मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस 630 इज द क्यूमुलेटिव एक्सपेंस ना बेटा, दिस इज द क्यूमुलेटिव ओवरऑल फिगर, ओवरऑल ऑफ 3 इयर्स, ये 3 साल का ओवरऑल खर्चा है। अंडरस्टूड और नॉट? पर सर बचे तो 2 है ना सर, 2 साल बचे। हाँ, तो 2 साल बचे तो हम उसकी वर्किंग क्या करेंगे, हम उसकी वर्किंग बोलेंगे कि 630 कायदे से 3 साल में होना चाहिए, आज तक कितने साल हो चुके हैं, तो क्यूमुलेटिव आज तक का खर्चा कितना बनता है, 4,20,000। ये जो है 420 क्यूमुलेटिव अभी तक का खर्चा बनता है, उसमें से मैंने कितना ऑलरेडी बुक कर लिया था। इसका लॉजिक क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, कि भाई मेरा एस्टीमेट बदल गया तो अब मुझे ये करना पड़ेगा। देखिए एस्टीमेट की बात चल रही है, एस्टीमेट में ये वर्किंग अभी हमेशा यही होती है, एस्टिमेशन के केस में वर्किंग यही होती है, हमेशा इसी टाइप से वर्किंग करते हैं कि यार ठीक है पिछले साल जो कर लिया वो कर लिया, एक काम करते हैं शुरू से लेकर अभी तक अगर मैं 84 के अकॉर्डिंग बुक करता, फर्स्ट ईयर में मैंने कितने के हिसाब से बुक किया था, ओ शिट गलत हो गया, मैं सेकंड में तो यही बोलूंगा ना गलत हो गया यार, 86 को मैंने गलत ले लिया यार, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं शुरू से 84 के हिसाब से वर्किंग करता, शुरू से फर्स्ट ईयर से ही, अगर मैं फर्स्ट ईयर से ही 84 अज्यूम करता तो मेरा खर्चा कितना, 630 आता ना यार, और शुरू से अगर बुक करता 84 के हिसाब से तो ओवरऑल 630 आता, और अभी कितने साल हो चुके हैं, तो प्रोपोर्शनेटली 2 साल का खर्चा कितना हो जाना चाहिए अभी तक, 420। मैं पिछले वाले को बदल नहीं सकता तो वो माइनस करो, बाकी का रिमेनिंग बचा कुछ इस साल बुक कर लेते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। समझ आया कि नहीं? तो थॉट प्रोसेस क्या है कि 86 से 84 हुआ, अगर यही 84 पहले साल से ही होते तो आज क्या खर्चा होना चाहिए था। नहीं आया क्या समझ में? बोलो ना बेटा, पक्का? गलती समझ में आ गई क्या हो रही है? ठीक है, अच्छा फॉर्मूले को वापस थोड़ा सा ठीक करें, एक मिनट फॉर्मूला कभी कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंटू नंबर ऑफ ऑप्शंस इंटू इंट्रिंसिक वैल्यू डिवाइड बाय यहां लिख दूं टोटल वेस्टिंग पीरियड इंटू अभी रुक तो जाओ रे, इंटू क्या लिखा है, अब इसके ऊपर लगाऊं मैं ब्रैकेट और इसमें से क्या माइनस करूं, माइनस, बोलो माइनस एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड या बुक्ड टिल प्रीवियस ईयर, पिछले साल तक ऑलरेडी कितना एक्सपेंस बुक कर चुके हैं। समझा? जूम करना है, हेलो जूम। बोलिए बेटा कितना वैल्यू आ रहा है? 2 लाख। इस 2,05,000 की एंट्री क्या होगी? जो एंट्री आपने पिछले साल में 2 एंट्री की थी, सेम टू सेम डिट्टो एंट्री कर लीजिए, छाप लीजिए एंट्रीज। सेम एंट्रीज राइट, दोनों की दोनों, अमाउंट बस चेंज होगा 2,05,000। क्या आप लोग मुझे थर्ड ईयर का बता सकते हो वर्किंग? बोलिए, थर्ड ईयर में फाइनली इंप्लॉइज कितने हो गए एलिजिबल? 85 करो, मैं वेट कर रहा हूं, आप एक्सपेंस बुक करो। हाँ जी, क्या करेंगे? कितने एम्प्लॉइज? 85 एम्प्लॉइज, 150 नंबर्स, 50। टोटल एक्सपेंस कितना आ रहा है? हाँ 637। अच्छा, यहाँ पर थॉट क्या प्रोसेस, यहाँ पर थॉट प्रोसेस क्या है? अगर शुरू से 85 के अकॉर्डिंग वर्किंग करता तो टोटल खर्चा कितना होना चाहिए था? 6,37,000। और इसको ओवरऑल कितने साल में डिवाइड करते? 3 साल में। और अभी तक कितने साल हो चुके हैं? तो इसका मतलब यही खर्चा अभी तक ओवरऑल बुक हो जाना चाहिए था 637,500। आज तक मैं कितना खर्चा बुक कर चुका हूं? 4 लाख। सर ये 420 कहां से आया? अब पिछले 2 सालों के खर्चे 2,15 और 2,05, तो मुझे एक्सपेंस बुक करना चाहिए 2,17,500 का एक्सपेंस बुक करना चाहिए। वापस से जाके 2 एंट्रीज वही वाली कर लीजिए। 3 साल के एम्प्लॉय एक्सपेंस मेरे को निकल गए। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस बोलो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बोलो, एम्प्लॉय एक्सपेंस बोलो, कोई बात नहीं। क्लियर? कल छुट्टी वुट्टी है क्या किसी फैकल्टी की? क्रिसमस है ना, मुझे लगा कोई फैकल्टी छुट्टी वुट्टी की हो तो मैं फिर मुझसे आपसे मैनेज कर लूं। तो मेरी 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 शक्ल देख के तुम्हें क्या लगता है? हाँ। मैं तो ये सोच रहा था कि भाई किसी ने छुट्टी ली हो तो मुझे बता दो, वो टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। क्यों अमित सर का तुम लोगों ने बोला ना संडे छुट्टी है? बाकी 2 सर का है ना? एंट्रीज कर ली? हाँ, एंट्री कर ली। अच्छा जी, मुझे बताइए ओवरऑल 3 साल की एंट्रीज कर आपने फर्स्ट जो एंट्री करते हो हमेशा उसमें दो अकाउंट होते हैं। एक होता है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, उसको तुम हर साल ट्रांसफर कर देते हो P&L में। दूसरा कौन सा होता है? ईसो आउटस्टैंडिंग। दूसरा कौन सा होता है? ईसो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई बैलेंस शीट में फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में ईसो आउटस्टैंडिंग दिखना चाहिए कितना? 2 लाख। सेकेंड ईयर में कितना दिखना चाहिए? 2,05,000। सर 2,15,000 पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड और करंट ईयर का 2,05,000 मिलके कितना होना चाहिए? 4,20,000। 420 कैसे? लास्ट ईयर का 2,15,000 कैरी फॉरवर्ड होके आएगा। हाँ, तुमने एक्सपेंस को तुमने P&L में राइट ऑफ कर दिया। तुमने एक्सपेंस को P&L में राइट ऑफ कर दिया, पर तुमने ESO आउटस्टैंडिंग को कहीं राइट ऑफ नहीं किया ना, ठीक है। थर्ड ईयर में कितना हो गया वो 637, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि 3 साल के बाद ESO आउटस्टैंडिंग का क्रेडिट बैलेंस 637,500 रखा हुआ है। 3 इयर्स के एंड में 637,500 ESO आउटस्टैंडिंग का क्रेडिट बैलेंस रखा हुआ है। इसको राइट ऑफ कैसे, मतलब ये क्रेडिट है तो ये डेबिट होगा, ये क्या होगा, इसका क्या होना चाहिए? ये क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, अब मैं शेयर इशू करने वाला हूं तो ये क्या होगा, इसका इसको डेबिट करना पड़ेगा, इसको डेबिट करना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा एक चीज, दूसरी बात, ये कितने एम्प्लॉइज के हिसाब से बनाया गया है? फॉर 85 एम्प्लॉइज, क्लियर है कि नहीं? पर अब क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट्स में जाओ, 85 में से 80 एम्प्लॉइज ने ऑफर अवेल कर लिया जिनको शेयर देंगे, और 5 एम्प्लॉइज ने ऑफर अवेल नहीं किया जिनको शेयर कभी नहीं देंगे। तो एक काम करते हैं, इस वाले पोर्शन को मुझे 80 एम्प्लॉइज इस टू 5 एम्प्लॉइज के प्रपोर्शन में करके दो। ₹6 लाख और ये क्लियर। इसको अगर तुम डायरेक्ट निकालना चाहो तो लॉजिकली कितने एम्प्लॉइज हैं 80, हर एक एम्प्लॉय को कितना मिलेगा और आईवी कितनी है, वही आएगा, ये भी वही आएगा। कितने एम्प्लॉइज हैं 5 150 50। बोलो बेटा अभी मेरे ESO आउटस्टैंडिंग में टोटल कितना क्रेडिट बैलेंस रखा हुआ है? 637, जिसमें से कितने एम्प्लॉइज काम के नहीं है? 37। तो वो वाला मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? ऐसा नहीं है ना कि मतलब 6 लाख काम के हैं तो उनका तो शेयर कैपिटल दे देंगे, ये काम के नहीं तो ये पड़ा रहेगा। ये क्या पड़ा रहेगा क्या? ESO आउटस्टैंडिंग पड़ा, मतलब लैप्स हो गया ना यार, ESO आउटस्टैंडिंग खत्म कर। तो इसकी एंट्री होगी, लिखिए एंट्री, इसकी एंट्री होगी ESO आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। लॉजिक पे आ रहा हूं मैं, पहले एंट्री लिख लो टू जनरल। हाँ ये पांच तक गिनूंगा फिर हटा दूंगा। 0 1 3 4:30 5 बज में 5 मिनट बी स्पेसिफिक बेटे। ESO आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 37,500। इसका लॉजिक सुन लो। सर अभी हम सुनने वुनने में नहीं है सर, अभी हम लिखना है, डिस्टर्ब मत करो। इसका लॉजिक क्या है सुनिएगा ध्यान से। ESO आउटस्टैंडिंग कहां दिख रहा है आपको? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। बोलो बेटे, जब 5 एम्प्लॉइज चले गए, लैप्स हो गया, ये ESO आउटस्टैंडिंग किसी काम का ही नहीं है तो इसको फ्री रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। ये एक प्रॉफिट, मतलब मान लो कि कहीं ना कहीं ठीक है, ज्यादा प्रोविजन बना लिया, किसी काम का नहीं, प्रॉफिट मान लो। बोलो ना बेटा, तो कहीं ना कहीं लॉजिक क्लियर है कि अभी तक ये रिजर्व एंड सरप्लस में ESO आउटस्टैंडिंग के नाम से क्यों दिख रहा था? एक तरीके से ये स्पेसिफिक रिजर्व था, पर जब ये 5 लोग का कैंसिल हो गया तो ये स्पेसिफिक रिजर्व किस में बदल गया? फ्री रिजर्व में बदल गया। तो हम इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। अंडरस्टूड और नॉट? ये पॉइंट क्लियर है सबको? अच्छा, अब इसकी एंट्री सुनो। किसकी एंट्री सुनो, ये कौन लोग हैं जिन्होंने मेल पे डाला आई एक्सेप्ट, हाँ, फिर उनको मेल में उन्होंने डाला ना आई एक्सेप्ट, उसके रिप्लाई ने कंपनी में क्या बोला, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो जल्दी चेक बना के भेजो, अकाउंट में ट्रांसफर करो पैसे। कितने पैसे? नहीं, 6 लाख तो मेरा नुकसान है, पैसे कुछ और थे, एक्सरसाइज प्राइस नालायकों, ऑफर प्राइस, ऑफर प्राइस। ₹60 ना, ₹60 ना, तो ₹60 के अकॉर्डिंग 80 एम्प्लॉइज 150 नंबर ऑफ शेयर्स। तो कंपनी पहले पैसे बुलवाएगी, हाँ बोलो, पैसे बुलवाने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे कि बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने? 7,20,000। वर्किंग क्या है? 80 एम्प्लॉइज 150 शेयर्स 60, ठीक है? बोलो बेटा। चलो पैसे आ गए, पैसे आने के बाद क्या होगा? शेयर इशू होगा। शेयर जब इशू होता है तो क्या क्रेडिट होता है? शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल तो हमेशा फेस वैल्यू पे क्रेडिट होता है। बताओ तो बताओ, कितने लोग हैं, कितने शेयर्स हैं? फेस वैल्यू ₹10 मान लो, अज्यूम कितना आया? 1,20,000। 80 इंटू 150 इंटू ₹10 फेस वैल्यू। जब शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया तो अब ये ईसो आउटस्टैंडिंग किसी काम का नहीं है बचा। यही डिस्कस किया था ना कि जब शेयर इशू कर देंगे तो ईसो आउटस्टैंडिंग को रिवर्स कर देंगे। कितना ईसो आउटस्टैंडिंग रखा था? 6 लाख, हाँ, तो इसको रिवर्स कर दो। ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट 6 लाख। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालो। लॉजिक है? हाँ, मैं कहां बोल रहा हूं, समझाया मैंने, अभी मैंने कंप्लीट ही नहीं किया। तुम लोग ना पहले मेरे को कंप्लीट करने दिया करो। अगर कंप्लीट करने मैंने नहीं समझा तो फिर मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। पहले टीचर का पूरा वेट करो कि हाँ यार उसने बकबक अपनी बंद की कि नहीं। ठीक है, मैंने भौंकना बंद किया उसके बाद ही पूछोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं वापस। सबसे पहले बैंक क्यों डेबिट हुआ? पैसा आया। पैसा कितना आया? 7 लाख। और एक शेयर के हिसाब से पैसा कितना आया? सोचते बहुत हो, पता है, सोचते बहुत, सब पता है, सब चीजें सामने। एक शेयर के हिसाब से कितना पैसा आया? ₹60 के हिसाब से बैंक। अच्छा, ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट क्यों किया? क्योंकि वो रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा, अगर इसकी वर्किंग देखें तो 80 इंटू 150 इंटू 50, हाँ यही हुआ। अच्छा, ₹60 क्या है? मिला पैसा, हाँ। ₹50 क्या है? सर्विस मिली। सर्विस मिली। सर क्या सर्विस मिली? नहीं सर, नहीं समझ में आया। नहीं सर, सर इस ये लिखा है, ये लिखा है। क्या लिखा है? एंटिटी रिसीव्स गुड्स एंड सर्विसेज। क्या लिखा है? एज अ कंसीडरेशन फॉर इट्स ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। मैं तुम्हें शेयर दे रहा हूं, तुम मुझे क्या दे रहे हो? सर्विस। तो सर्विस मुझे कितने की मिली? ₹50 की सर्विस मिली ना मुझे। तो एंटिटी को क्या क्या मिला? एंटिटी को कैश मिला 60, एंटिटी को 50 का क्या मिला? तो ये कुल मिला के शेयर कितने का हो गया, हाँ? और ₹10 क्या है? तो मैंने कितने प्रीमियम में इशू किया? ₹100 प्रीमियम हो गया। टेक्निकली मैं शेयर की एंट्री 110 के हिसाब से ही करूंगा। 110 क्या था, याद करो? मार्केट प्राइस। आज हम एंट्री करेंगे ₹110 के हिसाब से, जो ग्रैंड डेट पे मार्केट प्राइस था। मार्केट प्राइस पे एंट्री करूंगा मैं, उसमें से ₹10 का फेस वैल्यू, बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, ₹60 मुझे बैंक से मिले और ₹50 की मुझे सर्विस मिली ना, जिसको मैंने P&L में क्रेडिट किया, डेबिट किया। अंडरस्टूड और नॉट? सो यहां पर आइए, to securities premium account. कितना? अगर मैं बैलेंसिंग फिगर ना निकाल के मैं ब्रैकेट में वर्किंग करना चाहूं तो कर सकते हैं. कैसे? 80 into 150 into 100. इस एंट्री को अगर ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि कहीं ना कहीं हमने शेयर 110 रुपए का इशू किया है, जिसमें से 60 रुपए कैश लिया और 50 रुपए काइंड में लिया. क्या बुरी बात है? कोई दिक्कत नहीं है. अब जरूरी थोड़ी कि यार बचपन से हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ही पढ़ा है तो सब कुछ बैंक से ही मिले. आपने 110 रुपए का शेयर इशू किया, जिसमें से आपको क्या क्या मिला? आपको कैश मिला 60 का, और आपको 3 साल में सर्विस भी तो मिली थी ना यार, जो आपने P&L में डेबिट की थी. मैचिंग प्रिंसिपल सुना है कभी? पढ़ा है मैचिंग प्रिंसिपल? क्या होता है मैचिंग प्रिंसिपल? मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? रुको रुको सर रुको, हाँ बताओ. आप जिस साल में इनकम बताते हो उसी इनकम को कमाने के लिए आपने खर्चे किए थे, तो खर्चे भी आपको उसी के साथ कंपेयर करने पड़ेंगे. तो अगर तुमने एम्प्लॉय से सर्विस लिया था फर्स्ट ईयर में तो तुम्हें कहीं ना कहीं फायदा हुआ होगा. अरे तो फायदा हुआ होगा तो तुम्हारा वो फायदा रेवेन्यू में दिख रहा होगा, तो उसके अगेंस्ट तुम एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन फर्स्ट ईयर में डेबिट कर रहे हो 2,15,000 का. मैचिंग प्रिंसिपल. हाँ, फिर तुम सेकेंड ईयर में तुमने फिर से एम्प्लॉय की सर्विस ले ली, तुम्हें फायदा हुआ होगा, तो फायदे के अगेंस्ट तुम एक खर्चा बुक कर रहे हो 2,05,000 का. थर्ड ईयर तुमने फिर से सर्विस ले ली, तो सर्विस ली होगी तो तुम्हें फायदा हुआ होगा, उसके अगेंस्ट तुम एक्सपेंस बुक कर रहे हो 2,17,500 का. तुमने आज तक कितना एक्सपेंस बुक कर लिया? तुमने सिर्फ एक्सपेंस ही बुक किया, कुछ पे तो किया नहीं उनको. तो बस अब तुम शेयर पे कर रहे हो, तो वो जो एक्सपेंस जो तुमने बुक किया था उसको, उसका जो क्रेडिट पार्ट था उसको डेबिट कर रहे हो, रिवर्सल कर रहे हो. अरे जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल करते हो तो सैलरी तो चली जाती है तुम्हारे P&L में, पेबल कहां जाता है? पेबल आगे चल के लायबिलिटी होती है, और आगे चल के जब सेटल करते हो तो एंट्री क्या करते हो? पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक. यहां मैं पेबल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कर रहा हूं. आई बात समझ में कि नहीं? करेक्ट है कि नहीं है? पर ये तो बोलूंगा ना कि मुझे 50 रुपए की सर्विस मिली पिछले 3 सालों में. सिंपल, लॉजिक इज क्लियर. आया समझ में कि नहीं? सो ये दो एंट्रीज क्लियर है आपको? ये दो एंट्रीज क्लियर है कि नहीं? आप मुझे बताइए ओवरऑल हमने कितनी एंट्री समझी? ओवरऑल कौन कौन सी एंट्री हमने पढ़ी? सबसे पहले जो हर साल में हमें एंट्री करनी होती है, हर साल में हमें क्या एंट्री करनी पड़ती है? मैचिंग प्रिंसिपल वाली. आप ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा, लॉजिकली याद रखो. हर साल हमें मैचिंग प्रिंसिपल करना होता है. क्या हमें हर साल एम्प्लॉय एक्सपेंस को बुक करना होता है, डेफर एंड अमोटाइज करना होता है. अरे डेफर एंड अमोटाइज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड कर रहे हैं. क्या एंट्री पास करते हैं? एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग. ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग एक लायबिलिटी है कि शेयर होल्डर फंड है? ये शेयर होल्डर फंड है, इसीलिए हम इसको रिजर्व एंड सरप्लस में ले जा रहे हैं. और एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस एक खर्चा है, तो उसको कहां जाके मारो? कहां जाके मारोगे उसको? P&L में. तो एंट्री क्या करोगे? P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस. P&L में जाके क्यों मार रहे हैं? मैचिंग प्रिंसिपल. राइट ऑफ कर रहा हूं क्यों? मैचिंग प्रिंसिपल. हर साल ये होगा. अच्छा, एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज क्या होगा? एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज क्या होगा? या तो लैप्स होगा या तो अवेल होगा. लैप्स होगा तो क्या करोगे? लैप्स होगा तो क्या करोगे? क्या एंट्री पास करोगे? ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व. लॉजिक क्या है? सर लैप्स हो गया, ईसो आउटस्टैंडिंग एक तरीके से एक रिजर्व था स्पेसिफिक, अब वो किसी काम का नहीं है. हमने पिछले 3 सालों में उसको P&L में डेबिट 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 मार के कम कर दिया, अब उसको जनरल रिजर्व में वापस डाल दो. पिछले 3 सालों में अपने P&L में डेबिट 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 किया था, नहीं होना चाहिए था, वापस जनरल रिजर्व में डाल दो, वापस से प्रॉफिट बढ़ा दो. पिछले 3 सालों में प्रॉफिट गिराया था, अरे इतने से प्रॉफिट हमने पिछले 3 सालों में गिराया था ना, वापस से प्रॉफिट बढ़ा दो. समझ में आएगी नहीं? अच्छा, और ये वाला क्या है? अवेल किया. अवेल किया तो क्या होगा? पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, पैसा आ गया तो शेयर इश्यू करो, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, शेयर कैपिटल इश्यू कर दिया तो ईसो किसी काम का नहीं है, रिवर्स कर दो, तो ईसो रिवर्स कर दिया, जो डिफरेंस बचेगा वो क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम. आया समझ में कि नहीं? किसी का डाउट हो सकता है कि सर जो ये रिवर्स कर रहे हैं जनरल रिजर्व में रिवर्स ना करके P&L में कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो, P&L में अलाउड नहीं है। क्यों? ये एक रिजर्व था, जब भी तुम रिजर्व को रिवर्स करते हो तो कभी भी P&L से रिवर्स नहीं होता, याद रखना। दूसरा रीजन ये खर्चा 37,500 कौन से ईयर का है? पिछले 3 सालों का मिला जुला, तो थोड़ा सा P&L फर्स्ट वाले P&L में डेबिट हुआ होगा, थोड़ा सा सेकंड P&L में, थोड़ा थर्ड P&L। जब रिवर्स करोगे तो कौन सा P&L जा करोगे? सारे के सारे P&L तो कहां जाते हैं तुम्हारे अल्टीमेटली? जनरल में जाते हैं ना, तो डायरेक्ट उसके बाप में जाके डेबिट क्रेडिट कर दो ना जाके। भाई P&L का फाइनल बैलेंस कहां जाता है? जनरल में, तो वहीं जाके क्रेडिट कर दो। समझ आया कि नहीं? आइडेंटिफाई क्या करोगे? पहले साल का P&L था, दूसरे साल का, क्या करोगे? आप चेंज नहीं कर सकते हो। तीसरा लॉजिक, कभी भी अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज होता है तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं कि प्रोस्पेक्टिव? तो मैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बोलूंगा भाई आज ही रिवर्स कर दो, आज जनरल में डालो। रिट्रोस्पेक्टिव कहां मैं ढूंढता रहूंगा कौन सा वाला P&L था? बोलो ना, ये भी तो मेरा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट हुआ ना भाई। 5 लोगों का मैंने एक्स्ट्रा खर्चा बुक कर दिया था, उसको रिवर्स करके जनरल रिजर्व में डाल रहा हूं, फ्री रिजर्व कर रहा हूं। बोलिए बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? दिस वॉज द इंटायर कहानी ऑफ ईसॉप। समझ आया कि नहीं आता? पक्का अज्यूम किया मैंने, हमारी माँ क्वेश्चन में दिया होगा, हाँ दिया होगा, नहीं दिया होगा तो सर क्या करेंगे? 10 रुपए अज्यूम करने का है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये शेयर फ्री में इशू करते तो, तो इस एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट होता ही नहीं, सिर्फ एंट्री क्या होती? ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी, सिंपल। वो 110 रुपए हो जाता ओवरऑल। ईसो आउटस्टैंडिंग कहीं ना कहीं 110 रुपए के हिसाब से, अरे इंट्रिंसिक वैल्यू 110 रुपए हो जाती ना, पर शुरू से 110 रुपए के हिसाब से बुक करते। समझ आया कि नहीं? पक्का? हाँ, तो ये एंट्री 1 मंथ बाद होगी, 1 मंथ के बाद होगी एंट्री, वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के 1 मंथ के बाद होगी। अगर वो 1 मंथ की डेट क्या है? 1 मंथ की डेट क्या है? हाँ 31 अप्रैल। वाह बेटे वाह। हाँ तू पानी पीती है कि क्या पीती है? 31 अप्रैल। दिमाग की दही कर रही है। चलिए अभी हम लेक्चर यहीं पर ओवर करते हैं, अपना लेक्चर कल कंटिन्यू होगा, ठीक है? होमवर्क मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप करना चाहो करो, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तक हमने एक क्वेश्चन भी ट्राई नहीं किया है। कल हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, तो उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो होमवर्क में। थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, जय माता दी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।